भी एक खिलौना है जिसके उसूल का अमल इंसान से मंजिल का शऊर छीन लेता है। इसमें कोई अलझाव नहीं, कोई अभाव नहीं, हम एक ख्वाहिश के उसूल को कामयाबी कहते हैं और इस कामयाबी के साथ ही दूसरी ख्वाहिशात कम होती हैं और ये कामयाब ख्वाहिश अक्सर ख्वाहिश नफ्स के सिवा कुछ और नहीं। मेहनत करने वाला इंसान कामयाबी की खातिर मेहनत करता है। दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की मेहनतें हैं इसलिए मुख्तलिफ किस्म की कामयाब बुरे मकासद के लिए मेहनत अगर कामयाब भी हो जाए तो भी नाकाम, उसके बरक्स अच्छे मकसद की मेहनत अगर नाकाम रहे तो भी कामयाब। कामयाबी का हुसूल इतना अहम नहीं जितना मकसद का इंतखाब है। चींटी सुबह से शाम तक मेहनत करती है और उसकी कामयाबी यह है कि खाके राह से रिस्क मिल जाए। गिद्ध की कामयाबी यह है कि उसकी परवाज मुर्दार का रास्ता दिखाए। मकड़ी जाला बनती है, कितना खूबसूरत एक माहिर रियाजीदान और इंजीनियर, उसका मकसद कामयाब हो जाता है। उसका मकसद जाला नहीं मक्खी है, वो मक्खी पकड़ने के लिए खूबसूरत जाला बनती है, उसकी कामयाबी। कामयाबी के ग्लैमर के पीछे इंसान की असल ख्वाहिश छुपी। इस ख्वाहिश का गौर मुताला किया जाए तो कामयाबी का असल मफहूम समझ में आ सकता है। कामयाबी की तारीफ करना मुश्किल है। आजकल कामयाबी एक मुकाबला है, अपने माहौल में अपने समाज के मयार के मुताबिक सबकत ले जाने को कामयाबी कहते हैं। कामयाब इंसान उसे कहते हैं जो अपने गिरद व पेश के इंसानों में नुमाया हो मुमताज। सबकत ले जाने वाला मोसेस कहलाता है। कामयाबी का मुद्दा सबकत ले जाना है, शहरत हासिल करना है। अगर समाज अपना कोई अखलाक मयार ना हो तो कामयाबी एक खतरा है। झूठों में शहरत हासिल करना बदनाम होने के मुतरादिफ है। अगर माहौल गंदा हो तो कामयाबी की तमन्ना इंसान के लिए खतरा है। कामयाबी का सफर खुदगर्जी का सफर है, ये खतरे का सफर है। खुदगर्जी ना हो तो इंसान कैसे कामयाब, दौलत जमा करने वाले कैसे कामयाब हो सकते हैं अगर वो बेहिस ना हो। दौलत तकसीम करने वाला कभी दौलत जमा नहीं। कामयाब मेहमान कामयाब मेजबान नहीं बन सकता। मोहब्बत कामयाब हो तो शादी कामयाब। बैंक का काम करने वाला टूरिस्ट नहीं बन सकता। कामयाब इंजीनियर कामयाब डॉक्टर और कामयाब वकील की जिंदगी में बड़ा मन। हर कामयाब आदमी दूसरे को नाकाम समझता है और यही नाकामी की दलील है। दुनिया में मौजूद आधा इल्म सिर्फ नसीहत है, यानी दूसरों को नाकामी से बचाने का है, और इल्म देने वाला इल्म के हवाले से ही अपने आप को कामयाब समझता है। उसकी बात सुनने वाले उसे देखते हैं और उस पर उतना ही तबसरा करते हैं कि बेचारे इल्म वाले लोग हैं, उनका सरमाया अल्फाज मानी का सरमाया है और पास। कामयाब इंसानों ने ही दुनिया में झगड़ा फसाद कायम कर रखा है। एक इंसान कामयाब कहानी नवीस या कामयाब दास्तान को या अफसाना निगार हो अपने आप को हर शुबा या कामयाब समझता है। वो फर्ज कर लेता है कि आपको ड्रामा तनकीद मुआशियात सियासियात शायरी इलाहियात कर्ज के मुतरफात पर कलम उठाने का हक रखता है। वो जलसों की सदारतें करता है, करता है, हुकूमतों के हक में उनके खिलाफ करारदाद पास करता है। हालांकि उसकी कामयाबी सिर्फ कहानी या अफसाने की कामयाबी है। कमोबेश हर कामयाब इंसान खुशी में मुबला होकर अपनी कामयाबी को भी अपने लिए वबाले जान बनाता है। यही वजह है कि अमीर आदमी अदीब बनने का शौक रखता है और बनता है। अदीब को सियासत कहलाने का अब चाहिए क्योंकि वो शेर कहता है, सियासतदान हुकूमत से नाराजी रहते हैं जैसे ही उनके महबूब हों और हुकूमतें अल्लाह का नाम लेकर अपना काम जारी रखें, तब कामयाब है सब नाकाम। जब हम अपने लिए एक अंदाज फिक्र का इंतखाब करते हैं तो हमें दूसरे अंदाज हाई फिक्र पर अथॉरिटी बनने से गुरेज करना चाहिए। एक कामयाब गुलकार के लिए जरूरत नहीं कि वो अपने अंदाज से मुल्क का नाम रोशन करे और अपने अंदाज से मजहब पर बहस करे। ये अंदाज सिर्फ अंदाज है क्योंकि हमारी जिंदगी शोबों पेशों दायरों और जाविये में तब्दील हो चुकी है। इसलिए कामयाबी का मफहूम इस दौर में अपने पेशे और अपने शोबे में कामयाबी है और ये कामयाबी अपने दायरे से बाहर निकल आए तो नाकामी के अलावा क्या हो सकता है। हमारे मुल्क की सियासत में अब हर शोबा आयात से क्यादत उभर कर बाहर आ रही है। अल्लाह रहम, हमारा मुल्क क्यादत के बहरान में भी कसीरों क्यादत रहे। क्यादतों की कसरत क्यादत की अदम मौजूदगी की दलील है। कामयाबी में बड़े अंदेशे होते हैं, कामयाब मुस्कुराहट में बड़े आंसू हैं। कामयाब फाते आखिर एक कातिल ही होता है, हलाकू हो या सिकंदर आजम, काम एक ही है और गालिब अंजाम भी एक है। दुनिया को फतेह करना और खाली हाथ घर से बाहर परदेश में बनना कामयाबी का हल है। इज्तमाही या गृही कामयाबी में कम खतरात हैं। मकसद का उसूल कौमों को उरूज देता है, लेकिन इंफरादी कामयाबी इंसान को अपनी ज़ात के खौफ से और बाद अवकात इंसान अपनी कामयाबी के लिए वो असीम मकासद तर्क कर देता है जिनको अपनी कामयाबी के जवाब के लिए पेश करना है। मसलन एक कामयाब डॉक्टर को लें
डॉक्टर का मुद्दा और असल मुद्दा खिदमत इंसानियत है, मरीजों की खिदमत, दुनिया से बीमारी को कम करना और इस तरह नेकी और इबादत को अपनी कामयाबी के जवाज के तौर पर पेश करना। कामयाब डॉक्टर आहिस्ता आहिस्ता अपनी कामयाबी के तकाजों से मजबूर होकर इतना बेबस हो जाता है कि बेबस हो जाता है, वो मरीजों से फीस वसूल करता है, नेकी के बजाय माल का मुआवजा और ये अमल इस तक बढ़ता है कि असाब की सूरत अख्तियार कर देता है। मेडिकल सेंटरों की तादाद में इजाफा खिदमत खल के बजाय टिप को इंडस्ट्री में तब्दील कर चुका है। कामयाबी के दामन में मुसरतें नहीं हसरत। कामयाबी का अंजाम अक्सर औकात उस मकसद के बरक्स होता है जो कामयाबी है। इंसान लोगों में इज्जत हासिल करने के लिए कामयाबी चाहता है, अगर इज्जत ना मिले तो लोग सुकून हासिल करने के लिए दौड़ना चाहते हैं, और अगर सुकून ना मिला तो कामयाबी एक महदूद दायरे तक ही कामयाबी कहता है। इससे मावरा या इसके अलावा वो तस्वुर कारगर ही नहीं होता। माहौल बदल जाए तो कामयाबी का तस्वुर बदल जाता है। मोहब्बत की कामयाबी और मोहब्बत की नाकामी में चिंता पर मोहब्बत कायम रहे तो फराक भी विसाल है, और मोहब्बत ना रहे तो विसाल भी फराक। कामयाबी के लिए उस माहौल का जायजा जरूरी है जिसने कामयाबी को तस्लीम करना है। अगर माहौल और फर्द के मैार में फर्क हो तो कामयाबी का तस्वुर खत्म हो जाता है। दुनिया के अजीम रहनुमा वक्त के लिए वे मैार से बुलंद होते हैं और वो अपना मैार खुद बनाते हैं। किसी पहले से पेशदा उसूल पर अपनी कामयाबी का इंसार नहीं करते। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपको वस्फ़े हयात मास्टरमाइंड स्टडी की तीसरी नशिस्त में बहुत बहुत खुशामदीद। आप अभी हज़रत वासिफ अली वासिफ की किताब दिल दरिया समंदर के मज़मून कामयाबी से इक्तबास सुन और देख रहे थे। मैं हूं आपकी मेज़बान और दोस्त मैमूना गुलशन। उम्मीद है आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और आपके हफ्ते का आगाज भरपूर तरीके से होगा। जो ख़वातीन हमें फेसबुक के पेज पर देख रहे हैं और जो हमारे साथ नशिस्त में मौजूद हैं, उनसे इल्तमास है कि वो हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मज़ीद लोग इससे इस्तफादा हासिल कर सकें। और जो लोग हमें हमारे YouTube के चैनल पर देख रहे हैं, उनसे भी इल्तमास है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो से आगाह रहें। हम इंशाल्लाह आपके सवालों को प्रोग्राम के अगले हिस्से में शामिल करेंगे ताकि उन आपकी शमूलियत भी हमारे साथ हो सके। चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे मेहमानों की तरफ और उनका तारुफ कराते हैं। हमारे पैनल में सबसे पहले मौजूद हैं साहबजादा काशिफ महमूद, जो हजरत वासिफ अली वासिफ के फर्जंद हैं। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ मौजूद हैं मीर जहांगीर साहब, जो के वासिफ ख्याल संगत गुजरांवाला के रूहे रवा हैं। मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। और प्रोफेसर इरफान अशरफ साहब हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, और जनाब डॉक्टर फजल महमूद मेरे साथ मेजबानी के फराए सर अंजाम दे रहे हैं, तो मैं उनसे कहूंगी कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। जी डॉक्टर साहब। और शुक्रिया मैमुना गुलशन। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। معزز مہمانان گرامی, حاضرین ناظرین اور سامعین, آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ। خواتین حضرات, آج ہماری تیسری نشست ہے وصف حیات واصف علی واصف کی نظر سے۔ حضرت واصف علی واصف کی تحریر پر ہم آپس میں ماسٹر مائنڈنگ کر رہے ہیں۔ ایک تھوڑا سا نیا سا خیال ہے کہ ہم خیال لوگ جو حضرت کے چاہنے والے ہیں, حضرت کو پڑھنے والے ہیں, وہ مل کر کچھ برین اسٹارمنگ کریں۔ تو آج کے لیے جس موضوع اور یا جس باب کا ہم نے انتخاب کیا ہے آپ کی کتاب دل دریا سمندر سے, وہ ہے لفظ کامیابی۔ اس کا عنوان ہے کامیابی۔
अब एक अजीब सी एक रिसर्च मैंने आज इस प्रोग्राम के शुरू होने से चंद लम्हे पहले की कि मैंने उसका अंग्रेजी में जो लफ्ज़ है सक्सेस, उसको गूगल पे टाइप किया तो आप जानते हैं कि कितने रिजल्ट्स आए। 2,75,00,000 लोग इस लफ्ज पर तहकीक करते रहे या कुछ ना कुछ तबा आजमाई करते रहे। तो ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है और ऑब्वियसली हर शख्स का अपना एक नुक्ता नज़र है। फिर वहीं पे जैसे सक्सेस को अंग्रेजी में अर्ल नाइट एंगल जैसे मुफक्किर ने कहा है कि सक्सेस इज ए प्रोग्रेसिव is towards your real goals and worthy ideals. So ये उनका अपना नजरिया है। किसी ने सक्सेस को दौलत से मुंसलिक किया है, किसी ने सक्सेस को तसव्वुफ से मुंसलिक किया है, किसी ने तसव्वुफ को मोहब्बत से मुंसलिक किया है, किसी ने तसव्वुफ को अपने ज़ाती चैन और सुकून से मुंसलिक किया है, किसी को किसी के अंदर खुद गर्जी की और किसी के अंदर खुद नुमाई की, बहुत सारी तशबीहात दी गई हैं। तो लेकिन आज हम ये देखना चाह रहे हैं कि हज़रत वासिफ अली वासिफ ने मोहब्बत को किस अंदाज से देखा और जिस तरह उन्होंने पहला जुमला इस उनवान पे लिखा कि कामयाबी एक खूबसूरत तितली है जिसके ताकुब में इंसान बहुत दूर निकल जाता है। तो आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मीर जहांगीर साहब की तरफ के आप कुछ इरशाद फरमाइए। आप कामयाबी को हुजूर ने जब आपसे गुफ्तगू की तो किस तरह बयान किया? अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने पहले मज़मून कामयाबी पढ़ा भी और वो पढ़ के वासिफ साहब का जो आपने नुक्ता नज़र अंदाज़े फिक्र बयान किया है तो हम भी क्योंकि वहीं से फैज़ याफ्ता या इक्तसाब फैज़ जो है वो हमें मिला है तो उसमें आपने फरमाया है कि कामयाबी जो है ये असल में किसी दूसरे की नाकामी भी होती है। तो आप किसी दूसरे की नाकामी को, क्योंकि ये मुकाबले का दौर है और मुकाबले में किसी को शिकस्त देना और उससे सबकत ले जाना, सबकत ले जाने वाला कामयाबी समझता है और जो मुकाबले में हार जाता है वो नाकामी समझता है। तो आपने जो फरमाया है वो ये है कि किसी भी मकसद में कामयाबी इतनी अहम चीज़ नहीं होती। असल में जो मकसद इंतखाब है वो सबसे अहम चीज़ है। कामयाब होना वो अहम नहीं है, मकसद का इंतखाब जो है वो अगर आपका दुरुस्त है तो मकसद के इंतखाब अगर दुरुस्त है तो उसमें अगर नाकाम भी हो जाएं तो वो कामयाब है और अगर मकसद बुरा है, अच्छा नहीं है तो उसमें अगर आप कामयाब हो जाएं बुरे मकसद में कामयाब तो वो नाकामी है। यानी ये अंदाज़े फिक्र जो किबला वासिफ साहब ने समझाया है तो कामयाबी और नाकामी का जाविया जो है वो वासिफ साहब के यहाँ मकसद के इंतखाब के ऊपर जो है वो तय्यन किया गया है। जैसे वो मसाल देते हैं कि जो हलाकू खान था, सिकंदर आजम था, वो एक कामयाब फातेह था मगर वो एक कातिल था। अब वो जो वो उसको कामयाबी समझता है दुनिया को फतह करना और लोगों के सरों की खोपड़ियों के मीनार बनाना, उसको वो कामयाबी समझता है हालांकि वो खाली हाथ ही दुनिया से वापस गया है। जितने भी ये कामयाब फाते हैं जाते खाली हाथ हैं। अब जो खाली हाथ गया है तो कामयाबी फिर क्या हुई? यानी वो इंसानों की खोपड़ियों के जो मीनार बनाना ये कामयाबी है। इसी तरह यजीद जो है ये बज़ाहिर कामयाब हुआ मगर क्या ये कामयाब हुआ? वो कामयाब तो बज़ाहिर हो गया मगर हमेशा के लिए नाकाम हो गया। और इमाम हुसैन वो बज़ाहिर नाकाम हुए मगर वो हमेशा के लिए कामयाब ठहरे, कामयाब हुए। तो इंतखाब का जो इंतखाब मकसद है वासिफ साहब इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे एक मिसाल मैं और देता हूँ कि एक चोर जो है वो चोरी करने को
और चोरी करके वापस घर में खरीये से लौट आए तो वो समझता है कि मैंने कामयाबी हासिल कर ली, कि मेरी चोरी जो है वो उसमें मैं कामयाब हो गया। और पुलिस वाला जो है उसकी कामयाबी ये होती है कि वो चोर को पकड़ ले। अब पुलिस की कामयाबी और है, चोर की कामयाबी और है। तो मकसद का इंतखाब जो है ना, वो असल में असल बात है कि मुख्तलफ मकासद हैं और मुख्तलफ मेहनतें हैं, उसमें कामयाबियां हैं। तो हर बंदे का जाविया जो है वो अलहदा अलहदा है। तो इसमें जो अच्छी बात यही है कि इंतखाब मकसद जो है उसका पहले तयन कर लिया जाए, फिर उसके हसूल के लिए जो जुदोजहद है वो बंदा करता है। तो अगर अच्छा मकसद है तो वही असल में कामयाबी होती है। चलते हैं अब हम साहबजादा साहब की तरफ, और वहाँ पे जो दूसरा पैराग्राफ वो शुरू करते हैं वो भी बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है कि कामयाबी एक खिलौना है जिसका हसूल का अमल इंसान से मंजिल का शऊर छीन लेता है। तो आप ज़रा इरशाद फरमाइए कि आपसे दौरान गुफ्तगु हजरत ने किस तरह उसे बयान किया या आपने उसे किस तरह समझा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आज का इंसान अपने शऊर, हालात, वसाइल और मजबूरियां, इनके दरमियान में ही अपनी कामयाबी चाहता है। जो चीज़ें ये अवेलेबल है, कामयाबी का जो मटेरियल जो हमारे यहाँ दस्तयाब है जी, कामयाबी का वो मटेरियल है कि जी आपके पास वसाइल हों, आपके पास मौके हों, औकात हों, आपके पास अदराक भी हो, और ज़िंदगी के जो चांसेस हैं कि जिसमें इंसान जो है वो मेडिकली इल भी होता है, कोई हादसा भी हो जाता है, इनमें से जब वो गुजर रहा होता है तो इसमें वो अपनी कामयाबी का सफ़र कर रहा होता है। आप फरमाते हैं देखो कि अगर जिसको आप कामयाबी कह रहे हो कि एक माशरा है जिस माशरे में आप कहते थे कि अगर फर्ज कर लो कि 51% जो हैं झूठे लोग रहते हैं, उस माशरे के अंदर आप अगर कामयाब हो भी गए तो वो कामयाबी तो आपको झूठों में एक और इजाफा आपका कर देगी। तो इसका मतलब है कि वो कामयाबी जो है वो भी कामयाबी नहीं है। यानी कि ये ना कि इंसान अपने मकसद में नाकाम हो जाए, तो बाज़ का ये है कि मकसद में कामयाबी भी जो है वो भी आपको पता चलता है कि अल्टीमेटली ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी हम किसी और चीज को ढूंढते रहे हैं और आगे से निकल कुछ और आया है हमारा। आप फरमाते थे कि देखो मुशाहिदा तुम्हें करवाते हैं कि अगर तुम्हें मौका मिले और तुम जन्नत या दोज़ख के दरवाजे में से किसी एक दरवाजे के बाहर खड़े हो जाओ और वहां जो लोग आ रहे हैं उनसे कभी तुम उनका इंटरव्यू करो और उनसे पूछो कि आप दोज़ख में जा रहे हैं, आपने क्या किया था कि आप दोज़ख में जा रहे हैं, तो उसमें से ज्यादातर लोग यही जवाब देंगे कि हमारी ख्वाहिशात पूरी हो गई थी इसलिए हम दोज़ख में जा रहे हैं। और मैंने ही जैसे ही आप जन्नत के दरवाजे पे खड़े होंगे तो पता चलेगा कि आपकी जिंदगी की कई ख्वाहिशात थी जो अधूरी रह गई, जो पूरी नहीं हो सकी, और आप इस वजह से आप जन्नत में जा रहे हैं। यानी कि ख्वाहिशात का हसूल जिसको हम कामयाबी गर्दानते हैं, वो ख्वाहिशात का हसूल ही सबसे पहले जो है ना वो आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हम जिसको मकसदियत बना रहे हैं, जिस ख्वाहिश को हम अपनी ज़िंदगी के साथ लेके जा रहे हैं, जिसको हम सक्सेस कह रहे हैं, वो सक्सेस वाकई में है, वो सक्सेस है या इसका मफहूम कुछ और निकल आएगा बाद में। तो आप फरमाते देखो कि कामयाबी जो है ना ये दौड़ती है मर्तबों की तरफ, ये दौड़ती है पैसे की तरफ। यानी कि आज के माशरे के अंदर अगर कोई एक पैरामीटर्स जो डेवलप हुए हैं, उन पैरामीटर्स में एक ये बात होनी चाहिए कि आपके पास पैसा होना चाहिए, दूसरी बात यह है कि आपके पास मर्तबा भी होना चाहिए, आपका कोई सियासी शऊर होना चाहिए, आपके माशरे के अंदर कोई रिकग्निशन होनी चाहिए, आपके पास अपनी ज़िंदगी की आसाइश, आराइश और नुमाइश के लिए भी आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के होते हुए अगर ज़िंदगी का नाम फिरौन निकल आए तो फिर वो ज़िंदगी कामयाब है कि वो नाकाम है।
यानी कि मर्तबा भी है, जाहो जलाल भी है, पैसा भी है, लेकिन रिजल्ट उसका ठीक नहीं है। अब जब का रिजल्ट ठीक नहीं आएगा तो फिर हम उसको जिंदगी में कामयाबी कहेंगे या हम उसको आफ्टर लाइफ में नाकामी कहेंगे। तो आप फरमाते थे कि देखो अल्लाह ताला ने जो आप लोगों को सिफात दी है, सिफात आपके साथ जो मुंसलिक हुई है, अब ये है इखलाकियात। इखलाकियात का ताल्लुक जो है वो दीन के अलावा भी है। बहुत सारे माशरे हैं कि जहां पर जिस माशरे में जैसे आप बैठे हुए हैं वो माशरे के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे इखलाकियात जो है वो अपने अरूज की तरफ जा रही है, यानी कि ये लोग झूठ नहीं बोलते और ये लोग जो है वो सच बात, इतनी सी बात तो कंप्यूटर भी करता है। आपको गूगल उसको आप जो कहेंगे वो आप ऑनेस्टली से या अपने शऊर के हिसाब से जो होगा आपको बेस्ट वो दे देगा। तो ये तो इखलाकियात है, इखलाकियात एक दायरा बनता है। लेकिन जब इखलाकियात को दीनियात हम बनाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि इखलाकियात जमा हुक्म इलाही, यानी कि आपने इखलाकियात को जब अल्लाह के हवाले से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो फिर वो दीनियात बन जाएगी, उसमें दीन शामिल हो जाएगा, फिर आपके लिए सक्सेस जो है या कामयाबी जो है उसका शऊर कुछ और तरह से खुलना शुरू हो जाएगा कि आप जिंदगी में रहते हुए काम भी करते हैं। अब देखिए जी, कोई घर बनाए, आपका जो जिंदगी में जो भी आप अमल कर रहे हैं, ये जो अमल है यही फर्द अमल बन रही है। जो कुछ आप कर रहे हैं, अगर मकसद यही है कि 10 घर बने हुए हैं हमने भी 11वां बना के चले जाना है, तो ये तो सारी दुनिया कर ही रही है। अगर पैसा है तो आपके पास कितना भी पैसा हो जाए कारून के खजाने से बड़ा नहीं हो सकता। आपके पास अगर जाहो जलाल आ जाए, जितना भी बड़ा जाहो जलाल आ जाए, असल जो मुद्दा होता है कि जो आपका अमल है वो जो है वो एक खास हवाले से अल्लाह के साथ मंसूब होना चाहिए। आप फरमाते थे कि देखो मकान बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर रिश्वत के पैसों से मकान बनाकर उसके ऊपर हाजम इन फजले रबी लिखा जाएगा तो ये जुल्म होगा कि मकान तो बन गया लेकिन वो जो अमल आपका फर्द अमल में दाखिल हो गया है वो अमल आपका लिखा जाएगा। आप इस तरह फरमाते थे, एक जगह पे आपने जुर्म और गुनाह की आपने थोड़ी सी डेफिनेशन बताई थी कि जुर्म वो है कि जब वो जुर्म साबित हो जाए तो वो जुर्म कहलाएगा, लेकिन गुनाह साबित ना भी हो तो भी गुनाह कहलाएगा क्योंकि उसका हवाला अल्लाह के साथ है। इसलिए जब हम जिंदगी को सवाब और गुनाह के हवाले से देखना शुरू करते हैं तो फिर हम ये समझते हैं कि जिंदगी के अंदर ऐसे अमाल जो हुक्म ताबे इलाही ना हो, उन अमाल के हवाले से अगर सक्सेस है तो भी वो सक्सेस नहीं है। अगर हमारा सिर्फ स्पैन यही जो लाइफ थी यहां तक होता तो शायद हमारी जो चांसेस हैं, जो हमारी सक्सेस है, वो और मफहूम रखती। लेकिन जो मफहूम हम तक पहुंचा है, जो हमारे इस्लाम ने हम तक पहुंचाया है, उसमें कहीं पर ये नहीं कहा कि आप तरक्की ना करें, किसी ने ये नहीं कहा कि आप गाड़ी ना रखें, किसी ने ये नहीं कहा कि आपके पास पैसे ना हो, सब कुछ हो, सबके लिए मेहनत करें, लेकिन इसका मफहूम अगर फर्ज किया है अपनी अना है तो फिर अना तो किसी को भी नहीं छोड़ती है, अना तो हर एक को तबाह करके रखती है। शैतान के हवाले से वो बंदा मंसूब हो जाता है, वो जालिम कहलाता है। आप मिसाल देते थे कि देखो एक दुकानदार है, वो फ्लरिश करना शुरू हो गया, उसने जिंदगी में उसको पैसे ज्यादा मिलने शुरू हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलना शुरू हो गया। जिसको प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया तो इसका ये मतलब है कि वो अपने ग्राहक भाइयों के साथ कहीं ना कहीं कुछ जुल्म कर रहा है, क्योंकि उसको उसके इजाफा पैसे का वो नहीं है जो मिलना चाहिए बल्कि उससे ज्यादा वो ले रहा है। तो वो बिजनेस तो कामयाब हो गया लेकिन पता चला कि वो किसी और सदाकत के मैदान के अंदर वो हार गई जिंदगी उसकी। तो आप फरमाते थे कि देखो जैसे वो एक बादशाह था औरंगजेब आलमगीर, तो वो जब बादशाह बना तो उसने बादशाह बनते ही अपने वालिदैन को जेल में डाल। तो आप फरमाते हैं, सरकार वासे फरमाते हैं कि देखो अब वो शख्स बादशाह बन गया, वो चाहे टोपियां सीता था या उसने फतावा आलमगीरी लिखी है,
लेकिन माँ बाप के हवाले से जब ये काम किया है तो हम उसको बिल्कुल जो है ना वो कामयाब इंसान तसव्वुर नहीं करते। आप फरमाते थे कि कामयाबियों का जो सफर है असल में महरूमियों का सफर है, कि आप जब कामयाबी पे कामयाबी जा लेके जा रहे होते हैं तो पता चलता है कि जिंदगी के अंदर आप महरूमियां भी इकट्ठे करती जा रहे हैं, कि पैसे की खातिर आपने अपने माँ बाप को छोड़ा, पैसे की खातिर आपने अपने दोस्त अहबाब को छोड़ा, पैसे की खातिर बाज लोग तो अपने दीन को भी छोड़ देते हैं और उसको समझते हैं कि शायद हमने कोई कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि ये सारी चीजें खो कर वो इंसान जिंदगी में भी हारेगा और जिंदगी के बाद वाला जो फेज है उस फेज में भी वो हारेगा। तो ये फेज जिसमें से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने ना कुरान में फरमाया है कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि वो पहचाना जाए, उसकी जो सिफात हैं वो पैगंबरों ने आके माशरे के अंदर बतानी शुरू की और वो सिफात को लोगों के अंदर राइज करना शुरू किया। अल्लाह ताला से जो कम्युनिकेशन थी वो तो सिर्फ अम्बिया अलैहिस्सलाम की थी किसी भी हवाले के साथ, लेकिन जो सिफात थी वो अम्बिया अलैहिस्सलाम ने लोगों तक पहुंचाई और बगैर अल्लाह को दिखाए हुए अल्लाह का जो एक वजूद पूरा है वो लोगों के अंदर तस्लीम करवाया। अब उन सिफात को जब अल्लाह के हवाले से ट्रेनिंग मिलेगी, उन सिफात का तज़किया जब तक नहीं होगा अल्लाह के हवाले से, तब तक वो सिफात भी कामयाबी के जुमरे में नहीं आएंगी। यानी कि सिफात की जो ट्रेनिंग है वो भी दीनियात के हवाले से हमें लेके आने की जरूरत है कि फिर वो कामयाब जिंदगी कहलाएगी। बल्कि आप भी फरमाते थे कि देखो सबसे ज्यादा कामयाब जिंदगी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अब जब हमारे पास नमूना हयात एक अल्टीमेट सक्सेस का हजूर पाक की जात के हवाले से है, तो फिर जो जिंदगी उस जात के जितना करीब होती जाएगी उतनी कामयाब होती जाएगी, और जो जो जात या जो ख्याल उस जात के हवाले से दूर होता जाएगा वो उतना ही नाकाम होता जाएगा। सरकारे दो आलम चारपाई पर लेटे हुए थे, जब आप उठे तो आपकी कमर के ऊपर वो जो पैंती होती है उसके निशान पड़ गए थे। तो सहाबाए कराम ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जिस्म पर चारपाई के निशान है और उधर कैसर व कसरा जो है वो जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। तो आपने फरमाया कि क्या ये बेहतर नहीं है कि वो यहाँ पे मजे लूटे और हम आखिरत में जो है हम उसका इनाम लें। तो ये जो कामयाबी जो तसव्वुर के हिसाब से जो देखी जाती है कि माशरे में पैसा पावर शऊर आपकी एक तारीख के अंदर एक रेकग्निशन के हवाले से लोग काम करते हैं कि हमारे तारीख में कहीं नाम आ जाए, लेकिन तारीख में नाम गुड नेम्स में आना चाहिए। तारीख में नाम तो जैसे मीर साहब ने कहा कि हलाकू का भी आया, गेंगिस खान का भी आया, लेकिन ये लोगों के हवाले और तरह से थे। हमारे पास जो एक पैरामीटर जो सेट आया है, जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि इबादत के बहुत से तरीके हो सकते थे, बहुत से तरीकों से पहले भी इबादत की जाती रही है इस्लाम से पहले भी, लेकिन हमारे लिए एक सेट पैरामीटर आ गया कि आपके लिए ये सेट पैरामीटर है कि इस तरह से आपने नमाज पढ़नी है, इस तरह से रोजा रखना है, ये हज है, ये जकात है, ये जहाद है, ये सारे मामलात हैं और आपके साथ ये मुंसलिक होगी। अब इस पैरामीटर के बीच में रहते हुए जो हयात गुजरेगी वो कामयाब कहलाएगी, और जो इस पैरामीटर से दूर होती जाएगी वो नाकामी की जुमरे में चलती जाएगी। लिहाजा ये जो पूरा मजमून जो समझाया गया है, ये समझाया गया है कि हमारे जो अपना नफ्स है उसकी ट्रेनिंग, हमारे ख्याल की ट्रेनिंग और हमारे आमाल की जो ट्रेनिंग है ये सरकार दो आलम की जात के हवाले से ही हो तो कामयाबी का तसव्वुर आता है दरमियान, अदरवाइज कामयाबी नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी वजाहत से इस चैप्टर को हमें समझाया और हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे दोस्त प्रोफेसर इरफान अशरफ साहब ने भी इस दौरान। खुश आमदीद, आप म्यूट हैं। ये फिर म्यूट हो गया है मेरा ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं इरफान साहब आप?
जी अल्लाह का एहसान। आप सुनाए मीर साहब, कैसे हैं आप? साहबजादा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तो हम बात कर रहे हैं, आज जो हमारा उनवान है कामयाबी, और हजरत का नुक्ता निगाह काशिफ साहब ने भी और मीर साहब ने भी बड़ा वाज़े तौर पे बयान किया। आप इस चैप्टर को किस तरह देखते हैं? चलें अब हम आपसे कुछ आपकी राय लेते हैं, फिर कुछ सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आज हम कामयाबी पर बात कर रहे हैं, और जहां साहबजादा साहब ने कामयाबी का अरूज बयान कर दिया कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए असबाक के मुताबिक जिंदगी गुजारने का नाम कामयाबी है, तो उसके बाद तो मेरे पास अल्फाज नहीं। बाकी अगर सवालात होंगे तो हम उसके जवाबात के तौर पर अपना हिस्सा इसमें जरूर शामिल करेंगे सर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। चलें आगे चलते हैं। जैसे हजरत का अपना जो नुक्ता निगाह है, इतना मैं समझता हूँ कि वसी नजरी से जिस तरह उन्होंने कामयाबी को बयान किया है इस चैप्टर में, बगैर ले तो लाल के, या जो कहते हैं ना लोग दूसरे मुख्तलिफ चीज़ों को पोशीदा रखते हैं कुछ चीज़ों पर बात करना, लेकिन उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर इसे बयान किया है। जैसे यूरोप में या मगरब में अब जैसे सक्सेस की मुख्तलिफ डेफिनेशन है ना, जैसे मैं अपने लेक्चर्स में यही बताता हूँ हमेशा कि सक्सेस इज़ नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स ए जर्नी, ये सफ़र मुसलसल है, कोई हतमी कामयाबी या नहीं होती है, कामयाबी कोई हतमी होती ही नहीं है, ये ज़िंदगी के साथ साथ ये संग मील तो होते हैं जो हम अबूर करते चले जाते हैं दुनियावी कामयाबियों को, जैसे हम नाम दे देते हैं, लेकिन हर मोड़ पर जाकर एक नया मोड़ आ जाता है, और फिर उसके बाद एक नई मंजिल का तयन हम कर लेते हैं, फिर उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं, तो ये सिलसिला सफ़र तसलसल है। लेकिन जिस तरह हुजूर ने बयान किया कि देखें, कई जगह हम जिसे दुनियावी कामयाबी समझते हैं वो दरअसल हमारी शिकस्त भी होती है, और कई जगह जिसे हम शिकस्त समझ लेते हैं वही हमारी आखिरत की कामयाबी बन जाती है। तो ये बड़ा खूबसूरत था। इस सिलसिले में बहुत सारे दोस्तों के सवाल आ रहे हैं, तो वो जैसे मोहम्मद आरिफ साहब ने एक सवाल किया कि व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू कुरान। तो मेरा ख्याल तो यही है कि जो हुजूर ने जिस तरह से बयान किया है, लेकिन चलें उस पर बात करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं मीर साहब से, कि इनका सवाल यह है कि कामयाबी बहुक्म कुरान क्या है। डॉक्टर साहब देखिए, पहले थोड़ी थोड़ी इशारे में बातें हो गई कि कामयाबी जो है वो मकसद का इंतखाब जो है, उस इंतखाब मकसद जो है उसका हासिल हो जाना असल में तो कामयाबी यही है। अब देखना ये है कि यानी कामयाबी जो है वो दुनिया वाली कामयाबी है या आखरत वाली कामयाबी है, या दोनों को बैलेंस लेके चलना ये भी एक कामयाबी है। तो अब कुरान की नज़र में जो कामयाबी की बात जो वो तो हमारे साहबजादा काशिफ महमूद साहब ने बहुत खूबसूरत बात कह दी कि जो जिंदगी आपको अल्लाह के महबूब के करीब कर दे वो कामयाब जिंदगी होती है, और वो जिंदगी जो अल्लाह के हबीब से दूर कर दे वो नाकाम जिंदगी होती है। इसी तरह एक और मिसाल जो है, अब ये भी वासिफ साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला, और बड़ा आपका ये जुमला मशहूर भी हुआ है कि एक जिंदगी होती है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की है, और एक जिंदगी जो है वो फिरौन की है। अब फिरौन की जिंदगी को अगर आप नजर डालें, हीरे जवाहरात, सल्तनत, हरम, जाहो जलाल और ताकत सारी फिरौन के पास थी, और वो यानी बादशाह थी हजारों साल की उसके पास, जो उनके खानदान में चली आई। तो क्या ये कामयाब जिंदगी है जो फिरौन की है, या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो कामयाब जिंदगी है? अब ये चीज कुरान पाक ने तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को ही कामयाब करार दिया है, फिरौन की जिंदगी को नाकाम करार दिया है। ये अलहदा बात है कि वासिफ साहब एक बड़ी बारीक सी तंज भी करते हैं इस जुमले के अंदर, और ये हमारा ही अलमिया है जो हम लोग आप फरमाते हैं कि
हम जिंदगी जो है वो अपनी फिरौन की पसंद करते हैं और आकबत वो मूसा अलैहि सलाम की पसंद करते हैं। अब ये हमारा ये वो जो है ना वो खुला तजाद है इसके अंदर कि जिंदगी जो है अगर आप फिरौन की पसंद करते हो तो आकबत भी उसकी ले लो, मगर कहते हैं नहीं 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 आकबत नहीं उसकी चाहिए, फिरौन जैसी जिंदगी उस जैसी चाहिए और आकबत मूसा अलैहि सलाम जैसी चाहिए। तो ये तजाद जो है ये हमारी जिंदगी के अंदर मौजूद है, जिसको वासिफ साहब ने समझाया है, क्लियर किया है कि जिंदगी जैसे वो साहबजादा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हजूर अलैहि सलाम वो नमूना हयात हैं और अगर आप उनकी अपनी जिंदगी को दुनिया और आखरत की जिंदगी को कामयाब करना चाहते हैं तो आप उसवा हसना पे पैरवी करें तो वो जिंदगी कामयाब है, और यही कुरान का पैगाम है और इसी के अंदर ये सारी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। उसी में एक साहब ने निशानदही की है हजरत की इस तहरीर के इस पैराग्राफ की कि कामयाबी का सफर खुद गर्जी का सफर है, ये खतरे का सफर है, खुद गर्जी ना हो तो इंसान कैसे कामयाब हो। साहबजादा साहब से मैं इल्तमास करूंगा कि वो इस पर कुछ फरमाए। आप अक्सर ना महफिल में एक शेर पढ़ा करते थे कि कुछ देर तेरी याद से गाफिल रहा था मैं, वाह कुछ देर तेरी याद से गाफिल रहा था मैं, वो लम्हे कर रहे हैं मुझे शर्मसार से। वाह सुभान अल्लाह। तो ये जो हवाला फिर वहीं पे आता है कि ये अगर जिंदगी है और उसका हवाला भी उसी के हवाले है तो फिर तो ये कामयाब है। कुरान में अल्लाह ताला ने ना बड़ा जोर से एक जगह पे कहा है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो आप अपने लिए वो चीज़ें पसंद कर लें जो आपके लिए नुकसानदेह हैं, और या इसको दूसरी तरफ से ले लें कि आप अपने लिए वो चीज़ें ना पसंद करें जो आपके लिए फ़ायदा मंद है। यानी कि चीज़ों की जो इफ़ेक्टिविटी है उनका जो असल उसका जो जेनरिक है उसका वो समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर कहें कि एक जैसे आपका एक शेर है कि वासिफ अब बस बहस है अमीर व गरीब की जब तक अबूरे फलसफाए खैर व शर ना हो। वाह वासिफ अब बस बहस है अमीर व गरीब की जब तक अबूरे फलसफाए खैर व शर ना हो। जब तक आप बल्कि इसी में ना वो एक मिसाल भी दिया करते थे कि अमीर जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक अच्छा अमीर होता है एक बुरा अमीर होता है। तो अच्छा अमीर वो होता है जो दूसरों को इस फैसिलिटी में शामिल करे, और बुरा अमीर वो होता है जो साम बनकर अपनी दौलत के ऊपर बैठ जाता है। और इसी तरह से गरीब अच्छा और गरीब बुरा भी होता है, और उसकी आपने मिसाल ऐसे दी कि बुरा गरीब वो होता है जो दूसरों की दौलत के ऊपर नजर रखता है, और अच्छा गरीब वो होता है जो अपने हाल के ऊपर राजी रहता है। और आप ये फरमाया करते थे कि अल्लाह उस गरीब के घर में रहना बहुत पसंद फरमाता है कि जो गरीब है लेकिन हबीब है। तो लिहाजा जो कामयाबी है वो सिर्फ अमीरी में नहीं छुपी हुई है, वो जाहिरी नमूदो नुमाइश में नहीं छुपी हुई है, बल्कि जो जिंदगी असल जो उसका मुद्दा आ है वो मुद्दा ये है कि कायनात में अर्जो समावाद जो है वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, और अगर इस तस्बीह में हमने शामिल होना है तो ये हमारी कामयाबी है। बल्कि सरकार के जो आखिरी अयाम थे उसमें एक जगह आपने फरमाया कि ये तमाम कायनात जो है ना ये अल्लाह का जिक्र कर रही है, और हो सके तो जाने से पहले ये जिक्र तुम सुन के जरूर जाना। यानी कि अपने आप को उस हवाले से तुम मंसूब करो कि अगर अर्ज़ो समावात और कायनात अल्लाह के जिक्र के अंदर मशगूल है तो मुद्दा इस कायनात का यही है कि वो उस जात के साथ अपना ताल्लुक इस्तवार किया जाए, उस जात के हवाले से पैगंबरों से ताल्लुक इस्तवार किया जाए, उस पैगंबरों की जात के हवाले से आज के दौर के औलिया अल्लाह से अपना राबता और निस्बत रखी जाए। क्योंकि ये ख्याल का जो तज़किया है ये किसी मुर्शिद के बगैर होना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये ख्याल
वो ही ठीक करते हैं जिनके अपने ख्याल जो है उस एक एक जो कहना चाहिए कि आफाकी हदायत जो है उस हदायत के साथ जब वो मंसूब होते हैं तो उनके ऊपर वो उकदे खुलते हैं। क्योंकि जो हमारा ये सिस्टम है ना जी, ये एक होता है मैन मेड, एक होता है मैन मेड जो सिस्टम है उसके अंदर हम अपने लॉज लिखते हैं, बाय लॉज लिखते हैं, शिके लिखते हैं और एक पैरामीटर्स बनाते हैं, लेकिन पता चलता है कि जी 8-10 साल के बाद इसमें कुछ एडिशन की जरूरत है या कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। तो लेकिन जो असूल और जो कवानीन आफाकी है, जो अल्लाह की तरफ से जिनका नजूल हुआ है, उनके अंदर किसी इबहाम की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, और उन्होंने उस कवानीन ने जो कुरान की रोशनी में जो आए हैं वही जो है ना वो असल जो मुद्दा बयान करते हैं कि इंसान की हकीकी कामयाबी जो है वो इन असूलों के दरमियान में पोशीदा है, कि इन असूलों के साथ अगर आप रहें तो फिर आपको जिंदगी की कामयाबी जो है और आखिरत की कामयाबी ये मिलेगी। सरकार फरमाया करते थे कि देखो कुछ ऐसा अमल जिंदगी में रखो कि जिस अमल से तुम्हारी आकबत बेहतर होती रहे, यानी कि काम करो जिंदगी के जो करने हैं, मामलात करो, लेकिन उन आमाल और उन वाकयात के बीच में अपना जो रुजू है, रुजू इल्लल्लाह रखो। बल्कि आप कहते थे कि रुजू इल्लल्लाह रखो और सफर माल्ला रखो, यानी कि अगर तुम्हारा रुजू अल्लाह की तरफ होगा तो सफर अल्लाह की तरफ हो जाएगा। और इस पे मुझे एक शेर बहुत खूबसूरत आपका याद आ गया कि चले हो साथ तो हिम्मत ना हार ना वासिफ, कि मंजिलों का तसव्वुर मेरे सफर में नहीं। मंजिल की बात नहीं है, ये एक सफर की बात है, ये कामयाबी का रुख उस उधर है, और कामयाबी का जो तायुन है वो इंसान की आखिरी सांस पर होगा, वो आखिरी सांस कि जिसके ऊपर तौबा भी हो सकती है, और वो आखिरी सांस कि जिसके ऊपर आप कुछ लफ्ज़ भी बोल सकते हैं, और वो सारा जो आपने जिंदगी का सूत उलझाया है, जो आपने बनाया था सूत, वो सारा उलझ गया और वो मई बैठ के रो रही थी कि मेरी सारी जिंदगी की मेहनत जाया हो गई। अल्लाह ऐसी जो रायगा जाने वाली मेहनत से भी बचाए हमें, कि जिन मेहनतों का हमारे हमारी जात के हवाले से या अल्लाह के हवाले से कोई नतीजा नहीं निकलना, अल्लाह ऐसे आमाल से भी हमें बचाए, और अल्लाह ताला हमें इस किस्म की जो हमारी नीयतें हैं ये इस तरह के जो आमाल हैं वो हमें उनसे महफूज फरमाए जो ज़ाया होने वाली हैं। अल्लाह हमें ऐसी चीज़ों की तरफ लेके जाए जिसको वो अल्लाह ने कबूल करना है। गर कबूल उफ्तत, कोई चीज़ें अगर अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई तो समझे सफ़र, और सफ़र की तमाम बाकियात जो हैं वो मंजूर हो गई। आप फरमाते थे कि एक काफिर का जो पूरा 80 साल का कुफर है वो एक कलमा पढ़ने से धुल जाता है, यानी कि 80 साल का कुफर, उसने एक कलमा पढ़ा और उस कलमे से वो पूरा कुफर जो था उसका धुल गया। अब ये धुल गया क्या मतलब है कि धुल गया, वो अल्लाह ये नहीं कहता कि मैंने उसको माफ कर दिया है, बल्कि वो तो ये भी कह देता है कि मैंने उसके जो जमी गुनाह थे उनको जमी सवाब में कन्वर्ट कर दिया है। वाह वाह वाह, ये सिर्फ माफी की बात नहीं है, तो उसकी तरफ मेहरबानी जब हो जाए तो फिर ऐसे होता है कि जो गलतियां जो हुए हुए थे वाकयात वो भी सारे दुरुस्त हो जाते हैं। तो ये तो इतना वसी इसका मजमून है कामयाबियों का कि ये खुलता ही रहना है। जी माशाल्लाह, बहुत ये जाहिर है कि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जैसे मैंने बताया कि गूगल पर जब 2 अरब और 75 करोड़ लोग इस पे तबाह आजमाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये कितना बड़ा मौजू है जिस पे बात की जाए। प्रोफेसर साहब, इस चैप्टर के हवाले से मेरा आपसे सवाल ये है कि हुजूर फरमाते हैं कि दुनिया में मौजूद आधा इल्म सिर्फ नसीहत का इल्म है, यानी दूसरों को नाकामी से बचाने का इल्म, और इल्म देने वाला इल्म के हवाले से ही अपने आप को कामयाब समझता है, आप क्या कहेंगे? सर बहुत शुक्रिया। मीर साहब की इजाजत से कुछ गुजारशात कामयाबी के उन्वान में करना चाहूँगा। सर कामयाबी, वासफ साहब ने ये जो मजमून तहरीर किया है, मैंने लास्ट अपने कुछ गुजारशात में ये अर्ज किया था कि मेरी राय के मुताबिक ये वही 7 मनाजिल की कहानी है कि जिसमें वासफ साहब शुरू में
हमसे बात करते हुए कहते हैं कि कामयाबी एक खूबसूरत तितली है और इसके पीछे हम भाग रहे हैं। और क्या खूबसूरत अंदाज में आपके अंदर कामयाबी के तजस्स को, क्यूरोसिटी को क्रिएट किया गया है। और इसमें अगली मंजिल में जाकर वो आपको इल्म की दावत भी देते हैं, और तीन इस्तारे इसमें जो इस्तेमाल किए गए हैं वो मुझे बहुत पसंद आए हैं। और उसमें मैं जदीद मैनेजमेंट साइंसेस की किताबों के कुछ मजामीन का तज़करा करना चाहूँगा। पहला इस्तारा वासफ अली वासफ साहब ने जो एक तो इसमें तितली का कहा है कि हम एक ऐसी कामयाबी को कामयाबी समझते हैं जो असल में है नहीं, हम उसके पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं। इसका मतलब यह है हमारी डेस्टिनेशन और हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है। तो अगर आप जदीद मैनेजमेंट साइंसेस की बात करें तो वासफ साहब ने कहा कि मकसद का तायुन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम आपसे मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो आप हमें समझाते हैं कि सर सबसे पहले अगर आपने इफ़ यू वांट टू सक्सेसफुल इन दिस यूनिवर्स तो अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करो, क्लैरिफाई योर ऑब्जेक्टिव। तो वासफ साहब ने भी उसी बात को इशारतन भी और वाज़ेह तौर पर भी आपके सामने रखा कि भाई अपने मकासद को डिफाइन करो, और ऐसा भी मुमकिन है कि जिसको तुम कामयाबी समझ रहे हो वो कामयाबी ना हो। फिर उसके बाद वासिफ अली वासिफ साहब ने इस मजमून में चूंटी का इस्तारा इस्तेमाल किया। अच्छा, चूंटी और बड़ा जबरदस्त कि चूंटी के दो पेट होते हैं। एक पेट में वो चूंटी जो है वो अपने खाने का सामान जो उसने फॉरन यूज करना होता है शॉर्ट टर्म के लिए उसको रखती है, और लॉन्ग टर्म के लिए वो दूसरे पेट में अपना सारा स्टोर करती है। तो आप इसमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और खास तौर पर जब चींटियां इकट्ठे होकर काम करती हैं तो एक सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा कमाल का इस्तारा है। और इस इस्तारे में बड़ी बारीकी से वासफ अली वासफ साहब ने एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट का सब्जेक्ट हमारे सामने खोला है। उसके बाद दूसरा इस्तारा जो मैंने आज के मौजू के लिए रख छोड़ा था वो गिद्ध का इस्तारा था। और गिद्ध के बारे में हम सारे लोग जानते हैं कि वासफ अली वासफ साहब के एक और मजमून में उसका तज़करा है कि एक दफा शाहीन और गिद्ध को एक परवाज मिली, दोनों बड़ी ऊंची परवाज में तैर रहे थे। तो शाहीन ने गिद्ध से पूछा, गिद्ध मियां इतनी ऊंची परवाज है, नीला आसमान, नई मंजिलें, नई राहें, आगे खुली हवा, खुली फजा, कैसा लग रहा है? उसने कहा, बहुत अच्छा है लेकिन पेट के लिए भी कुछ करना चाहिए। वो डुबकी लगाता है, जमीन पर आता है, घोड़ा मरा पड़ा होता है, उसको वो खाना शुरू कर देता है। यहां पर वासिफ अली वासिफ साहब ने यह बताया है कि कामयाबी सिर्फ पैसा ही नहीं है, कामयाबी नई मंजिलें, नई राहें, नए एवेन्यू एक्सप्लोर करना। आप और मैं डिजिटलाइजेशन की दुनिया के और मैनेजमेंट साइंसेस के लोग हैं, हम सिर्फ जो हमारे लिए सिर्फ लर्न टू ग्रो रिच में पैसा कामयाबी नहीं है, हमारे लिए नई दुनियाएं, नई कायनातें, नए कॉन्सेप्ट, नया इल्म और जदीद मालूमात, ये सारा जो है ये एक बड़ा जबरदस्त हमारे लिए कामयाबी होती है। जो अबदी कामयाबी की बात जो साहबजादा साहब ने की तो वो तो हाथ जोड़कर, उस पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं ये जो जदीद दुनिया के लोग बात करते हैं, तीसरा इस्तारा वासफ अली वासफ साहब ने वो जाला बुनने का इस्तेमाल किया था। उसमें दो लफ्ज इस्तेमाल किए थे, एक रियाजी और एक इंजीनियरिंग उन्होंने उसमें फरमाया। और क्या खूबसूरत अंदाज में उन्होंने मकड़ी के जाले का एक जबरदस्त इशारा किया और उसमें कहा कि ये खूबसूरत मैनेजमेंट साइंसेज और जदीद रियाजियात के मुताबिक जो है वो जाला बुनती है, और जदीद इंजीनियरिंग के मुताबिक जाला बुनती है। और जाला बुनने का बुनियादी मकसद उसका, जो उसकी कामयाबी है, वो जाल में फंसना होता है, वो लोगों को ट्रैप करना होता है। तो जब आप जदीद मैनेजमेंट में जदीद रियाजियात इस्तेमाल करें और मॉडर्न इंजीनियरिंग इस्तेमाल करते हैं, और उसका अगर मकसद आपका लोगों को ट्रैप करना हो, तो फिर वो कामयाबी नहीं होता। इट माइट बी पॉसिबल के यू विल रिसीव सम मनी और आपके सामने कुछ रुतबे आ जाएं, कुछ आप दुनिया में कामयाब नजर आए,
लेकिन वो कामयाबी नहीं होती। और हमारे मीर साहब अक्सर फरमाया करते हैं, पैसा दिल में नहीं रखना, जेब में रखना है। तो मैं समझता हूं कि वासफ अली वासफ साहब ने मकसद के तायुन, सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जदीद दुनिया के अंदर मैनेजमेंट साइंसेस को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है वो कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया है। और फिर अबदी कामयाबी की बात हमारे साहबजादा साहब ने आपके सामने रख ली है। तो जो आपकी बात का जो जवाब है, मैं समझता हूँ कि शायद मैं आपको दे पाया। तो ये मेरा नुक्ता नजर है इस जदीद कामयाबी के मजमून में। मैंने ये कुछ बातें सीखी हैं, वो आपके सामने मैंने रख दी। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होंगी। बहुत शुक्रिया। चलें जी, इससे आगे चलते हैं। तो अगला जो पैराग्राफ है वो भी बड़ा खूबसूरत है। उसका आगाज है कि कामयाब इंसानों ने दुनिया में झगड़ा फसाद कायम कर रखा है। एक इंसान कामयाब कहानी नवीस या कामयाब दास्तान गो या अफसाना निगार हो तो अपने आप को हर शोबाए हयात में कामयाब समझता है। और ये बड़ा मौजूदा हालात में भी मैं ये देखता हूँ। और ये काम सी यहाँ पर भी एक मगरिब में भी ये कहा जाता है कि इफ यू आर इन यू आर गुड इन वन थिंग पीपल थिंक यू आर गुड इन ऑल। और ये बड़ा मसला होता है यहाँ भी और वहाँ भी। जब हम वहाँ आते हैं पाकिस्तान घूमने तो लोग ये समझते हैं कि हम हर सब्जेक्ट को जानते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ शोबे मेरा उनसे कोई दूर दूर का भी वास्ता या रब्ता नहीं होता। लेकिन वो अक्सर ये पूछ लेते हैं, यार आप आ जाइए ज़रा हमारे फलां तकरीब की सदारत कर दीजिए, एक तकरीर ही तो करनी है। वो जिस शोबे को मैं जानता ही नहीं हूँ उस पर तकरीर क्या करूँ, मुझे बताइए। तो ऐसा वहाँ भी होता है, मैंने देखा है कि जी वो बजाय किसी तख्सीस के वो लोगों ये समझते हैं कि तो वो वाकई तो आप यानी जैसे कहते हैं कि लेकिन वहाँ पर ये भी थोड़ा सा है कि जैसे वो जो पहला जुमला है उसे एक साहब ने मतलब कहा है कि उसे कैसे डिफाइन करेंगे कि कामयाब इंसानों ने ही दुनिया में झगड़ा फसाद कायम कर रखा है। तो क्या जिन्होंने झगड़ा फसाद कायम किया है हम उन्हें कामयाब कह सकते हैं? पहली बात तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने इसमें एक छोटी सी मिसाल सरकार एक फरमाया करते थे। एक दफा कश्ती में मल्ला और एक जो बहुत बड़े मौलवी थे जो आलिम थे वो सफर कर रहे थे। तो आलिम ने जब दरिया में पहुंची कश्ती तो आलिम ने मुल्ला से पूछा कि तुम्हें नहव आती है? तो मुल्ला ने कहा कि नहीं जी, मुझे नहव नहीं आती। तो आलिम ने कहा कि तुम्हारी आधी जिंदगी जो है ना वो तबाह हो गई, खराब हो गई तुम्हारी आधी जिंदगी, तुम्हें नहव का ही नहीं पता कि वो क्या होती। तो थोड़ी दूर आगे गए तो आगे आ गया गर्दाब, वाटर पूल जिसको कहते हैं, वर्लपूल। तो वो जब आया कश्ती उसमें फंसी तो मल्ला ने फिर वो आलम से पूछा आपको तैरना आता है? तो उसने कहा जी मुझे तैरना नहीं आता। उसने कहा जी आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो। तो हम लोग जो है ना वो अपनी एक कामयाबी को जो है ना वो सबके ऊपर ना थोपते हैं कि मैं इस चीज के अंदर हूँ। और ये जो तसव्वुफ है इसने तो इसकी जगह जगह पे निगेशन की है के वासिफ यार ने जित ली बाजी चुप करके ते हर के। ये जो होता है ना कि जी जब आपके पास कोई चीज आए तो फिर उस चीज का एक जर्फ भी आना चाहिए कि जर्फ जो है ना वो कहते हैं कि जैसे वो है कि इश्क की चोट तो लगती है सबों पर यकसां, इश्क की चोट तो सबों पर लगती है यकसां, जर्फ के फर्क से आवाज बदल जाती है। वाह सुभान अल्लाह। तो ये जो है ना ये कि हम थोपते हैं इतना सा पता होता है और उसको हम इतना मैग्नीफाई करके जो है हम लोगों को बता रहे होते हैं। तो बल्कि सरकार मुझे अक्सर कहा करते थे कि स्पीक लेस देन यू नो, शो लेस देन यू हैव। यस। तो ये बड़ा एक फार्मूला है कि आप फरमाते थे कि देखो जानने वाले जो है ना वो अक्सर खामोश होते हैं, वो गहराई के मुसाफिर होते हैं, वो झगड़ा में नहीं पड़ते हैं, वो इन इन शोहरत की वादियों से निकल चुके होते हैं, उनको असल चीज का असल गुर का उनको पता लग गया होता है। और जिनको पता चल जाता है वो अंदर से जान रहा होता है कि ये खिलौनों से खेलने वाले लोग हैं,
ये दुनिया को खिलौनों की तरह से लेते हैं और इसके अंदर खिलौने लेके छोटी सी की खुशी है उसके साथ ही खुश हो जाते हैं, लेकिन ये खिलौनों वाली दुनिया नहीं है, यहाँ पर बड़ी हकीकतें हैं, ये जलवा गाह है, ये हुस्न की जलवा गाह है, ये ख्याल की और अकल और शऊर की जो हदें खोलने की ये जगह है, यहाँ पर तस्लीम और रजा के वाकयात हैं, यहाँ पे जलवों की नुमाइश है, यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े वाकयात जो है वो आ चुके हुए हैं। गौर करने वाली बात है, कुरान ने कई जगह पर जो है वो तज़करा जो फरमाया अहसनुल कसस का जिक्र किया है, और कुरान ने अपनी बेहतरीन कहानियां जो पुराने अंबिया अलैहिस्सलाम की है वो बताई हुई है, और जगह जगह पे बताया गया कि ये कौम थी देखो इसका क्या हाल हो गया है, और फलानी कौम थी उसको संसार कर दिया गया है, उसके ऊपर जो है वो सितारों की बारिश हो गई थी। तो ये सब वाकयात और ये सब कहानियां जो है ये सिर्फ बताई इसलिए गई है कि इस नमूदो नुमाइश की जो दुनिया है, ये जो ग्लैमर की ये जो दुनिया है, ये आपको गुमराह कर रही है। और ये ऐसे नहीं है कि मैं कहूं कि आप गोशा नशीन हो और आप तन्हाई नशीन हो या आप जंगल में जाके बैठ जाएं, ये इसी दुनिया में रहने वाली बात है सारी, और इसी दुनिया में ही वो जो हकीकी नजर जो है जो लोगों को मैसर आती है, जिससे ये जलवा गाह बन जाती है दुनिया, गौर और फिक्र की एक जगह बन जाती है, वो उसके ऊपर गौर करें। अल्लाह ताला ने बार बार कहा कि गौर करो मेरी इस कायनात पर, गौर करो चीजों को। अब ये गौर वाली जो दुनिया है ना, ये शऊर वाली दुनिया है, ये जो शऊर वाली दुनिया है इसको चीजों की असल हैयत का जो है ना वो अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि ये बात अपने मफहूम में कितनी सच्चाई रखती है, ये कितनी सच्चाई नहीं रखती। और इस बात का ये जो खोलने वाली जो गुत्थियां हैं, ये उस वक्त समझ में आती है जब आप किसी जात के आगे अपने आप को सरेंडर करें, यानी कि आप जब तक अपने अना सरेंडर नहीं करेंगे, आपके ऊपर हकीकत की गुत्थियां खुलेंगी नहीं, आपके लिए मफहूम चीजों के और तरह से वाजे होने शुरू हो जाएंगे। तो जो लोग जिन पर बात खुली वो खामोशी से बैठे रहे और उन्होंने खामोशी से अपना काम किया, और जो लोगों के ऊपर वो कहते हैं ना कि जो है वो ज्यादा शोर करते हैं, वो खाली पांडे जो है वो ज्यादा खड़कते हैं, और भरे हुए पांडे होते हैं वो खामोश रहते हैं, उनके ऊपर जो जर्ब लगती है वो उसके अंदर से वो शोर नहीं निकलता, वो खामोशी से अपना सफर करते हैं, वो छुप के सफर करते हैं। तो वो लोग जानते हैं, एक दफा मुझे याद है महफिल में किसी ने पूछा कि हजूर इस वक्त का इमाम कौन है, तो आपने कहा वो तुमने शहीद करना है उसे। तो ये वो लोग भी, आपने फरमाया कि वो भी जो लोग हैं ना वो भी चलाक हो गए हुए, छुप गए हुए, क्योंकि तुम जो है ना उन्हें शहीद कर देते हो, इसलिए वो छुप के काम करते हैं। और हमें चीजों की अहलियत का अंदाजा नहीं होता। मुझे याद है एक दफा बानो कुसिया ने हमारे सेमिनार में तशरीफ लाई, तो बानो कुसिया ने ये वाकया सुनाया कि मैं एक सेमिनार में स्पीच दे रही थी, और वो स्पीच थी मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर। तो कहती है मैंने वो स्पीच की, बहुत क्लैप मिली मुझे, तो ऑडियंस में सरकार वासिफ साहब भी बैठे हुए, तो मैं जब नीचे उतरी तो मैं शाबाश लेने के लिए वासिफ साहब के पास गई, तो आपने मुझे कहा कि बैठो मेरे पास। जब मैं बैठी तो मुझे ये लगा कि शायद आप मेरी तारीफ करेंगे, तो आपने मुझे कहा कि ये बताओ कि तुम अहलियत रखती हो कि तुम मंसूर हलाज के ऊपर गुफ्तगू करो, यानी कि हमें अहल है भी इस बात के हम किसी दूसरे को गुनाहगार कहें, हम अहल हैं इस बात के कि किसी और को हम गुमराह कहें, क्या अभी हमारी अपनी जो है वो सनद आ चुकी हुई है, क्या अभी हमारी सर्टिफिकेशन हो गई है कि जो तुमने जिंदगी गुजारी है कामयाब हो गई है और तुम भी अनमता लहम वाले लोगों में शामिल हो गए जिन पर उनका इनाम हुआ। अगर नहीं हुई है तो खुदारा दूसरों के ऊपर मियाँ नसीहत और फसीहत बनना बंद करें, और अपने अमल से जो है आप फरमाते हैं सबसे अच्छी जो तबलीग जो है ना वो ये है कि आप अपने अमल से लोगों को तबलीग में लेके आए, आपका अमल जो है वो इतना खूबसूरत होना चाहिए कि लोग जो है वो खुद पूछें कि ये है कहाँ का, ये जो चश्मा आ रहा है ये बात कहाँ से आ रही है, हम भी उसको देखना चाहते हैं। तो ये जो ये पैराग्राफ का ये आपने बताया मुझे पहले का जो फिक्रा था कि हम लोग अहलियत नहीं रखते हैं कि हम दूसरों को गुनहगार कहें,
दूसरों को जाहिल कहें या दूसरों के ऊपर हम उस्ताद बन के बैठना शुरू कर दें, जब तक वो आपको उस्ताद नहीं मानता, हम उसको पुश करते हैं, प्रेस करते हैं, बल्कि डिप्रेस करते हैं हम उसको। तो सरकार की ये खूबी ये थी कि आप लोगों के जो मेंटल लेवल थे उस पर जाकर बात किया करते थे। अगर एक शख्स का दिमाग मैट्रिक का है तो उसे कभी आप एमए की बात या पीएचडी बात नहीं करते, उसके लेवल पे आके उस मजमून को समझाते थे आप। तो महफिल में भी यही होता था कि जब लोग आपसे सवाल कर रहे होते थे तो आप उस सवाल को उस शख्स की जितनी भी वो मेंटल हेल्थ है या जितनी अहलियत है उसके हिसाब से आप बात किया करते। तो ये बात है करने वाली कि अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों की अहलियत उनके शऊर के हिसाब से बात करें और दूसरों के ऊपर बोझ बना बन। सुभानअल्लाह जी। साइमा आपका कोई सवाल है तो आप जरा म्यूट। जी सर, साहबज़ादा साहब ने अभी फरमाया कि आप ऑडियंस की जो मेंटल कैपेबिलिटी है या उनका जो लेवल है उसके मुताबिक बात करें। अगर आपकी ऑडियंस जो है वो बहुत बड़े तादाद में है, उसमें लेट्स से 5 जमाते पास भी है और उसमें पीएचडी ग्रेड भी आ जाता है, तो फिर आप खुद को किस तरह से इस तरह बना सकते हैं कि आप हर किसी को उसकी ज़ाती ज़ुबान में जाके समझ आ जाए। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया, यही था उसलूब सरकार की महफिल का। मीर साहब गवाह हैं कि उस महफिल में बहुत बड़े बड़े जहन भी बैठे होते थे जो उस दौर के बड़े जहन थे, और हमारा दूध वाला भी बैठे थे, मिठाई वाले भी बैठे होते थे, वो लोग भी बैठ के बाद साहब की बात सुन रहे होते थे उसी उसी एतमाद के साथ जिस एतमाद से रामे साहब बैठ के बात सुन रहे हैं या अशफाक साहब बैठ के बात सुन रहे हैं, बैठ के बात सुन रहे। तो ये जो बड़ी बात होती है ना जी, वो उसके लिए मुश्किल अल्फाज या बड़े अल्फाज के चुनाव की जरूरत नहीं होती, उसका मफहूम जो है वो बयान हो रहा होता है और वो बयान हर हर मेंटल सतह को जो है ना वो हिट करता है। एक ही फिक्रे को बड़ा जेन और तरह से देखेगा, छोटा जेन उसको और तरह से देखेगा। परसेप्शन में फर्क जरूर हो सकता है लेकिन कम्युनिकेशन दोनों के साथ एक एक हवाले से हो सकती है। कि बड़ा जेन को जब आप कहते हैं कि वो जैसे आपका एक फिक्र है ना कि जमीन का इंतकाल कराते कराते इंसान का अपना इंतकाल हो जाता है, तो अब हम तो ये देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ी एक स्टोरी है कि जो लोग जमीनों की लड़ाइयों के साथ मुंसलिक होते हैं और उसके शास्त्रों के साथ होते हैं तो वो कैसे अपनी जिंदगी पूरी सुबह हर रोज अदालत जाना और झगड़े की शक्ल में रहना, उस ख्यालों के अंदर पक जाते हैं। मैंने देखा कि कई ऐसे गांव के जो लोग थे जिनकी हैब थी कि आज अगर केस की तारीख नहीं भी है तो शलवार कमीज पहन के अच्छी से कलफ लगा के उन्होंने अदालत चले जाना है वकील को मिलने के लिए, हैबिट उनकी बन गई। वो मुझे याद है एक पटवारी साहब ने कहा कि ये फिक्रा जो ना वासु साहब ने हमारे लिए कहा है कि जमीन का इंतकाल कराते कराते इंसान का अपना इंतकाल हो जाता है, तो ये अब उसकी परसेप्शन है। तो सर, जब होती है इस्लाह, इस्लाह जो है वो ऐसे इज्तमा में नहीं होती, आप उसके अंदर एक कंसेप्ट दे सकते हैं, लेकिन जब आप किसी की करना चाहते हैं ना, मेंटरिंग करना चाह रहे होते हैं, जब आप किसी के साथ कोई आप बात करें तो फिर आप उसके पर्सनल लेवल पे जाते हैं और उसको वह बात समझाने की कोशिश। अगर आपकी ऑडियंस में 2000 बंदा खड़ा हुआ है, 1000 बंदा आपकी बात सुन रहा है, तो वो 1000 बंदा एक जैसी बात नहीं समझेगा। एक ही क्लास में एक ही टीचर से सबक लेने वाले हर बच्चा फर्स्ट नहीं आता है, एक फर्स्ट आता है तो कोई फेल भी होता है, और उस्ताद सबक एक जैसा दे रहा होता है, लेक्चर एक जैसा दे रहा होता है, लेकिन बच्चों की परसेप्शन में फर्क आता है, कोई उसको किस तरह से ले रहा होता है, कोई कितना इंटेंटिव उसको देख रहा होता है, ये फिर आगे की बातें होती है। आप इज्तमा के अंदर पर्सनल लेवल नहीं लेके आ सकते, इज्तमा के अंदर आप एक कंसेप्ट दे सकते हैं और उस कंसेप्ट की फिर बाद में जो है वो कोई आपसे पूछे तो आप उसको समझाते हैं कि उसके लेवल पे जाके कि ये बात ऐसे है। जितने लोग सरकार वाले साहब के साथ जो मुंसलिक थे उनका एक डायरेक्ट रिलेशन था सरकार बादशाह के साथ, वो महफिल में तो बैठते ही थे
लेकिन महफिल के अलावा भी अपनी जिंदगी की जो उनकी परेशानियां हालात और वाकयात वो अक्सर डिस्कस करते थे और उनका कोई हासिल जवाब जो होता है वो आप देते थे, बल्कि ऐसा जवाब देते थे कि जिंदगी आसान हो जाए। अपने अमल से देते थे, अपनी जुबान से देते थे या अपनी दुआ से देते थे, वो जो भी देते थे, लेकिन उस शख्स के वो मसाइल या वो मामला जो है वो हल हो जाते। लिहाजा ये जो पर्सनल लेवल है ना जी, ये और है, और जो इज्तमाई स्पीच, यही तो वासा आपका खासा था कि आप महफिल में स्पीच नहीं करते थे, आप कम्युनिकेट करते थे। आप अक्सर कहते थे अच्छा समझ आई बात, नहीं चलो इसको आसान करते हैं, थोड़ा सा और आसान करके आपको बताते। बल्कि मुझे याद है अशफाक साहब को आप एक बात समझा रहे थे तो आपने कहा अच्छा नहीं समझ आई, अच्छा मैं इसको थोड़ा आसान करके तुम्हें समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये वाकयात भी जो है दरमियान में होते रहे कि आप जब ऑडियंस की कैपेबिलिटीज का अंदाजा होना शुरू हो जाए ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग उनके साथ कहने के लिंक्ड हो गया है, तो उस लिंक को आप अच्छे तरीके से यूज करते हुए उसके दिमाग में वो एक आइडिया आप दे। ये बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सर अगर जी 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 अगर इजाजत, मुझे इजाजत हो तो मैं इसमें अपने कमेंट करने की इशारत कर सकता। अभी लास्ट टाइम हमारा प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमने बूढ़े दानेश्वर लाओतुस की बातें डिस्कस की थी, तो मैंने वासफ साहब की किताबों से और मजामीन से ये बात सीखी कि जो बड़े दानेश्वर या बड़े लोग होते हैं जिनको दुनिया उस्ताद कहती है, जिनको इस कायनात के राज उस्ताद कहते हैं, जिनके नाम उनके बाद भी जिंदा रहते हैं, उनकी एक खासियत ये होती है कि जब वो गुफ्तगू करते हैं तो ये मौलाना रूम की एक कहावत का भी हवाला इसमें है कि वो उस्ताद एक आईने की तरह अपने तमाम के तमाम सुनने वालों के सामने या स्टूडेंट्स के सामने इस तरह बैठ जाता है कि हर स्टूडेंट उस आईने में अपनी तस्वीर देख लेता है। हर स्टूडेंट कोई भी है वो उसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ वो पीएचडी डॉक्टर है या कहीं वो बहुत बड़ा स्कॉलर है या कहीं वो दूध बेचने वाला है या किसी भी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का बंदा है, ये एक उस उस्ताद की बात है कि जिसका नाम वासिफ अली वासिफ है, वो एक आईने की तरह उनके सामने बैठ, क्योंकि उनका दिल का शीशा कुदरत की तरफ से साफ हो चुका होता है और हर बंदे को उस शीशे के अंदर से अपना अक्स नजर आता है। मौलाना रूम इस कहावत में यूं बयान करते हैं कि वो उस्ताद उनके सामने एक शीशा बनता है। और मैं ये समझता हूं कि वासिफ अली वासिफ साहब की महफिल में बैठने वाले ऐसे तमाम लोग जो वहां पर आया करते थे, वो अपने घर से कोई सवाल लेकर आते या जमानों मकान के फासले के बाद हम जैसे स्टूडेंट अपने जहन में कोई सवाल लेकर वासिफ अली वासिफ साहब की कोई बात सुनते पढ़ते हैं, तो हमें हमारी प्यास के मुताबिक उस दरिया से हमारी तशनगी होती है, हमारी प्यास बुझती है। मैं जसारत के साथ ये अर्ज करता हूँ कि ये जो कायनात के बड़े बड़े मास्टर होते हैं जिसका तज़करा लाओतुस ने दाऊद अचिंग में किया है या मसनवी रोम में हुआ है या बहुत सारी और किताबों में है, तो बड़ा जो उस्ताद होता है उसके अंदर अल्लाह ने ये खासियत रखी होती है कि वो शीशे और आईने की तरह साफ होता है और उसके अंदर सामने बैठने वाले अगर उसने चाहत के साथ कोई इल्म हासिल करना है तो उसके सामने बैठता है। तो मैंने तो यहाँ ये भी सुन रखा है कि वासिफ साहब जब बात किया करते थे तो आप फरमाया करते थे हाँ भाई कोई सवाल है तो बोलो, कौन बोलेगा? मीर साहब अक्सर हमसे ये कहा करते हैं, वासिफ साहब फरमाया करते हैं हाँ भाई कौन बोलेगा, तो फिर सारे लोग खामोश होते, फिर कोई जब सवाल होता तो बात करने वाले ये बताते ये तो मेरा सवाल था, ये तो मेरा सवाल था। तो वहां पर बैठे हुए पीएचडी डॉक्टर, वहां पर बैठे हुए इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की मिराज पर पहुंचे हुए और वहां पर बैठे हुए मुझ जैसे तिफले मकतब को भी अपने हिस्से की प्यास वहां से बुझ जाती। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़े लोगों की ये निशानी होती है जिन्होंने दुनिया में अपना नाम पैदा करना होता है, और क्यों ना हो कि
क्योंकि वासिफ साहब ने यह फरमाया था कि मेरा नाम वासिफ है बासफा, मेरा पीर सैयद है मुर्तजा, आप बाबुल इल्म से मोहब्बत करने वाले हैं और इल्म के शहर से मोहब्बत करने वाले हैं, तो वहां से हर एक की प्यास जरूर बुझती है और बुझती रहेगी। बहुत शुक्रिया जी जी जी। मैं एक तजर्बा अपना बयान करूं जी, बिस्मिल्लाह। जो बहन साइमा ने जो सवाल किया है जी, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया साहबजादा काशिफ साहब ने, एक तजर्बा मैं भी बयान कर दूं सरकार की महफिल का। तो पहली बात तो ये थी कि किबला वासिफ साहब की महफिल के जो शुरका होते थे उसमें वो जैसे बताया गया कि दूध वाला भी था और जनाब हनीफ रामे साहब भी थे, बल्कि वो दूध वाला की बजाय दूध वाले भी थे और हनीफ रामे साहब भी थे। तो मोहतरम है साहब जितने भी महफिल के शुरका थे, तो वो होता ये था कि किबला वासिफ साहब का एक तो जो महफिल के शुरका होते थे उनके साथ एक ताल्लुक होता था कल्बी, तो जो ताल्लुक में नहीं थे उसको महफिल में यानी बैठने की इजाजत नहीं होती थी। जैसे वो वासिफ साहब का एक जुमला है ना कि पहले ताल्लुक बनाओ फिर आप ना उनसे तबलीग करो या उसको नसीहत करो। फरमाते थे कि बेताल्लुक तबलीग ऐसे है जैसे जुबान गैर में तकरीर करना, यानी ताल्लुक पहले बनता है और जब ताल्लुक बन जाता है जो हमने देखा, तो ये भी आपका ही जुमला है जो मैं बयान करता हूँ। फरमाते थे कि ये मुर्शिद मुर्शिद जो है ये अपने शागिर्द के साथ या अपने तालिब इल्म के साथ, मुर्शिद जो है बगैर इरशाद के वो अपने स्टूडेंट से बात कर सकता है। अब बगैर इरशाद के बात करना, अब इसको सैमा बहन भी कभी इस तजर्बे से गुजरे तो शायद वो बात वाजे हो जाए कि ये तो यानी बात इन्होंने सवाल की कि वो किस तरह ले मैन से भी और खास से भी एक एक ही लम्हे में बात किस तरह कर लेते थे। तो वो फरमाते थे कि ये तो बगैर इरशाद के भी बात हो जाती है, और जो तजर्बा मैं बयान कर रहा हूँ वो ये था कि इस तरह बीसियों मरतबा ऐसे हुआ, मैंने देखा मेरे अपने साथ इस तरह बात थी कि मैंने जो सवाल या बात सिर्फ सोची है तो वो आपने बगैर पूछे जवाब दे दिया था, और ये अक्सर इस तरह कर लेते थे। तो वो बात जो है ना, एक तो वो जैसे साहबजादा साहब ने फरमाया कि वो मफहूम जो है वो सब के लिए यानी वो एक वाजे हो जाता था, खास को खास अंदाज से बात समझ आ जाती थी और जो मेरे जैसा आम आदमी था उसको उस अंदाज से भी बात समझ आ जाती थी। तो ये बगैर इरशाद के बात करना असल बात है, तो ये बात ताल्लुक के साथ बनती है बगैर ताल्लुक के नहीं, ये बात एक कहनी जी। बहुत माशाल्लाह। और बल्कि साइमा के इस क्वेश्चन से मुझे मगरिब के हवाले से मैं ये कहूँगा, चूंकि मेरा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन, तो हम आम तौर पे यही समझाते हैं या पढ़ाते हैं या सिखाते हैं अपनी ट्रेनिंग्स में कि देखें लफाजी का कोई बहुत बड़ा अमल दखल नहीं होता, असल चीज़ तो आपका अंदाज गुफ्तगु होता है, आपका लहजा यानी आपकी टोनैलिटी, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज, और जितने सादा से लफ्ज इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे आप उतना ही बेहतर मैसेज लोगों तक जाएगा, क्योंकि उसमें हर किस्म के लोग होंगे, जैसा कि आपने कहा कि कुछ क्या इल्मी मयार कुछ होगा समझने का, लेकिन अगर आपने बात को सादा और सलीस अल्फाज में सही अंदाज से खूबसूरत तरीक़ा गुफ्तगु से अगर अदा किया है तो वो मैसेज पहुंचता है। जैसे कि हज़रत का अपना एक तरीका है कि जिस तरह वो फरमाते थे ताकि हर शख्स उसे आसानी से समझ सके और समझता रहे आने वाले दिनों में भी, जो जो अब उन्हें हम जैसे तिफले मक्तब पढ़ रहे हैं तो हमें भी अब समझ में आने लगी उनकी गहरी बातें, जो मुमकिन है कि उनकी महफिल में हम क्वालिफाई ना करते हों समझने की, लेकिन अब पढ़ने से समझ आती है। तो ये तो एक कम्युनिकेशन का भी बुनियादी उसूल है, ठीक है, कि उसे इस तरह से सलीस और सादा जबान में बयान करना चाहिए ताकि हर इंसान को। हमें एक सवाल भेजा है अदील कासिम साहब ने, मैं दो सवाल एक्चुअली आपके सामने रखूंगा। अदील कासिम साहब का सवाल है कि क्या कामयाबी अमानत है, पहला सवाल। फिर आतिफ भट्टी साहब सवाल करते हैं कि कामयाबी और खुशी में क्या फ़र्क है, क्या खुशी कामयाबी है या कामयाबी खुशी है। तो ये दोनों सवाल अब मेहमान के सामने है, तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं मीर साहब से, फिर आते हैं काशिफ साहब की तरफ।
देखिए जिस बंदे की जो भी कामयाबी होती है ना उसको खुशी तो होती है, ठीक है ना। जैसे एक बच्चा जो है वो खिलौना मिले तो वो खुश हो जाता है जी। और जो बड़ा है वो कहता है कि मुझे अब नौकरी मिल जाए तो मेरी ये खुशी है, नौकरी मिल जाए तो अच्छी तनख्वाह मिल जाए खुशी है, अच्छी तनख्वाह मिल गई है तो अच्छी बीवी मिल जाए खुशी है, अच्छी बीवी मिल गई है तो बच्चे हो जाए तो ये खुशी है, बच्चे हो गए हैं तो फिर उनकी शादियों पे लग जाता है। सियासतदान की अपनी खुशी का मयार है, नौकरी पेशा बंदे का अपना खुशी का मयार है, जो कारोबार करता है, स्टूडेंट है, यानी तमाम शोभा है जिंदगी के जो अफराद हैं वो उनको अपने अपने मकसद की जो कामयाबी मिलती है वो कामयाबी पे खुशी महसूस करते हैं। मगर हकीकी खुशी क्या है और हकीकी कामयाबी क्या है, बात इस पे हो तो फिर बात है। ये हकीकी खुशी ये होती है, यानी आर्जी खुशियां होती हैं, आर्थिक कामयाबियां होती हैं, मगर हम जिस हवाले से बैठे हैं वो इसमें बात कर रहे हैं कि असल खुशी क्या है, असल कामयाबी क्या है। क्या वक्ती तौर पे अगर कोई कामयाबी मिलती है तो क्या ये हमेशा के लिए खुशी का बायस है, या जो हमें वक्ती तौर पे खुशी मिलती है तो क्या ये हमेशा के लिए कामयाबी है। छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी हो जाए ये ख्वाहिशें ये खुशियां तो होती हैं, मगर नहीं, असल खुशी जो है ना वो कुछ और है। और उस बात के अंदर ये पहले बात हो चुकी है कि वो जो हमेशा रहने वाली जिंदगी के लिए अगर आप कुछ सामान करते हैं तो यहाँ पे अगर जिंदगी थोड़ी सी अगर तंग दस्ती से भी गुजरी है, कुछ नाकामियों से भी गुजरी है, मगर अगर फॉर एवर लाइफ जो आपकी वो जो हमेशा रहने वाली जिंदगी है उसमें अगर आप खुश हैं तो वो ही असल में खुशी है। और सरकार का वो जुमला बड़ा खूबसूरत है कि खुश नसीब इंसान वो है जो अपने नसीब पर खुश रहे, खुश हो जाए। वाह सुभान अल्लाह, नसीब पर खुश होना यही कामयाबी है और यही खुशी है, बाकी तो मुकाबला है। और इसमें दौड़ लगी हुई है, हाँ जी दौड़ लगी हुई है, और उसमें कोई बंदा दौड़ के अंदर ना कामयाब होता है और ना खुश होता है। ये हिस्सो हवस से निकल के हकीकी मायार जो है खुशी का और हकीकी मायार कामयाबी का उसको देखना और ढूंढना पड़ेगा। जी साहबजादा साहब, क्या कामयाबी अमानत है? कामयाबी जो है ना जी, ये सवाल के अंदर ना एक छोटा सा खला है इस सवाल के अंदर, कि अमानत तो किसी की दी हुई चीज को आप वापस करते हैं, और कामयाबी जो है ये जिसका तायुन अभी हम बैठ के कर रहे हैं, ये ऐसे है कि इसकी अचीवमेंट है कि आप जिंदगी में जब इसके लिए स्ट्रगल करते हैं तो स्ट्रगल का एक रिजल्ट होता है और उस रिजल्ट का नाम या कामयाबी होता है या नाकामी। तो लिहाजा ये दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनको ना आप रिलेट कर को रिलेट कर रहे हैं। आप यू इसमें आपने किसी को कुछ देना नहीं है। जैसे आप ना एक कहानी सुनाते थे कि एक डाकू था जंगल में, हर आने जाने वाले राहगीर को लूट लिया करता। तो एक दिन एक ऐसे ही वहां से एक बाबा बुजुर्ग गुजर रहा था, तो डाकू ने उसे कहा कि भाई जो कुछ तुम्हारे पास है हमारे हवाले कर दो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको जो कुछ है मैं आपको हवाले कर देता हूँ, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप ये क्यों करते। उसने कहा जी इसलिए करता हूँ कि मैं अपने बीवी बच्चे मेरे खुश रहे मुझसे, और कौन सी बात है। उसने कहा अच्छा फिर जाओ जाके इधर एक दफा पूछ के आओ अपने घर वालों से कि वो तुम्हारे साथ इस हवाले से दोजख में जाना पसंद फरमाएंगे या नहीं फरमाएंगे, कि तुम यहां से जो कर रहे हो तुम तो दोजख में जाओगे, बुरे अमाल कर रहे हो, तो क्या तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी इस वजह से वो जाना पसंद फरमाएंगे कि नहीं फरमाएंगे। बंदा घर गया तो उन्होंने कहा कि जी मैंने तो कभी, घर वालों ने कहा कि जी हमने तो कभी नहीं कहा कि आप हमें इस तरह से पैसे ला के दो, हमने तो कहा है कि बस आप हमें खाना खिलाएं, ये तरीका कार तो हमने नहीं आपको बताया। कि वो वापस आया और आके उसने तौबा की और बुजुर्गों ने फिर उसको कहा। तो ये जैसे एक और जगह पे आप फरमाते थे, देखो अगर तुमने ये देखना है कि तुम्हारी दुनिया कामयाब है या नहीं, तो तुम ये देख लो कि तुम्हारे बीवी बच्चे तुमसे खुश हैं, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी
दुनिया कामयाब है या नहीं, और अगर तुम ये चेक करना चाहते हो कि तुम्हारी आखिरत कामयाब है कि नहीं, तो तुम ये देख लो कि तुम्हारे वालदैन तुमसे खुश हैं कि नहीं। अगर तुम्हारे वालदैन तुमसे खुश हैं तो तुम्हारी आखिरी जिंदगी भी कामयाब, और अगर तुम्हारे बीवी बच्चे तुमसे खुश हैं तो तुम्हारी दुनियावी जिंदगी कामयाब है। लिहाजा ये दोनों की जो वो सरकार ने जो पैरामीटर्स बता दिए ना, वो बहुत सादा से अल्फाज में बहुत दकीक जो एक जो नुक्ता था ना उसको खोला कि जिंदगी की कामयाबी और आखिरत की कामयाबी, अब इन दोनों के पीछे जो कनेक्टिविटी है मियाँ बीवी की, बच्चों की, और उनके हवाले से रिज्क की। आप अक्सर कहा करते थे कि वो कम अज़ कम जो लोग रिश्वत लेते हैं उनसे कहते थे कि कम अज़ कम इतनी मेहरबानी करो कि अपना हराम रिज्क जो है अपने बच्चों को ना खिलाओ, तुम तो खा रहे हो, उन पर तो मेहरबानी करो कि तुम उनको ना हराम रिज्क दो। तो ये हवाला जो है ना कि बात जो है वहीं पर आके खड़ी होती है कि हमारे जितने भी वसाइल इस वक्त हमें जो दरकार है और जितनी मुश्किलात हमें दरकार हैं, इसी के बीच में ही सजा और जजा के हवाले को लेके हमने चलना है। और ये अमानत नहीं है, अमानत तो और मफहूम में होगा, तो मैं इसको अमानत नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि कामयाबी जो है ना वो आपकी राहत के साथ मंसूब है, चाहे वो दुनियावी राहत हो या आपकी उखरवी जो है वो इसके साथ मुंसलिक हो, तो दोनों सूरतों में इसके मफहूम जो है वो बदलते रहे। बहुत खूबसूरत। हमारे एक और दोस्त हैं, उन्होंने सवाल किया है कि व्हाई सक्सेस मेक्स पीपल सेल्फिश, यानी खुद गर्ज क्यों हो जाता है कामयाबी की दौड़। ये तो मजमून में आपने खुद पढ़ाई की, कामयाबियों का सफर जो है खुद गर्जियों का सफर है जी। इंसान, मैंने इसके मुकाबले में फिर वो एक और सरकार का फिक्र सुनाया था कि कामयाबियों का सफर असल में महरूमियों का सफर है, कि इंसान जो है वो दौलत की तलाश में और इज्जत शोहरत की तलाश में, वो जब तक उसके साथ सेल्फिश नहीं होता तब तक उसको वो चीज अचीव नहीं होती। अगर आपने फोकस दुनिया कर लिया है तो दुनिया आपको मिल जाएगी, लेकिन उससे आपका नुकसान क्या हुआ वो भी आपको देखना चाहिए कि अगर आपने पैसा बनाना था तो पैसा तो बन गया, लेकिन पैसा बनाते बनाते आप कितने लोगों की मदद कर सकते थे, कितने लोगों के काम आ सकते थे, इस पैसे से और क्या क्या अच्छी बातें हो सकती थी, वो सब आपने जाया कर दी। और बल्कि सरकार फरमाते थे कि अल्टीमेटली होता यही है कि जो बाद में आने वाले हैं वो फिर बाद में आने वाले ही होते हैं, वो उसका वैसे ख्याल नहीं करते कि जैसे आप ख्याल करते थे और आप इकट्ठा करते रहते थे और उसको जोड़ते रहते थे और बनाते रहते थे, वो तो फिर उसको फिर वो उनको इजी मनी मिलती है, इजी मनी को वो डिस्ट्रॉय करते हैं, बल्कि उससे मजीद शर फैलता है, मजीद तकलीफें फैलती हैं। लिहाजा जो दुनिया की जो कामयाबियां हैं या जो दुनिया की नज़र में जो कामयाबियाँ हैं, इनके साथ हमें अपनी दीनियात का जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है कि उनकी उनके उन ख्वाहिशात का भी तज़किया होना बहुत ज़रूरी है कि क्या ख्वाहिशात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक सरकार ने वो कहानी मुझे सुनाई, वाकया भी, आपने फरमाया कि मैं एक मज़ार पे खड़ा था तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग आए और उन्होंने आके रोना शुरू कर दिया और कहा, बाबा जी 18 साल पहले मैंने जो आपसे दुआ मांगी थी ना, मेरी दुआ वापस ले लिया। तो सरकार कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये उसने कैसी दुआ मांगी है दरबार पे जाके। कहते मैंने फिर उससे पूछा कि क्या दुआ थी, तो उसने कहा जी मैं 18 साल पहले यहाँ आया था और मैंने बेटे के लिए मैंने दुआ मांगी थी कि मुझे बेटा था, मेरे घर बेटा आ गया, लेकिन आज वो बेटा इतना मेरे नाक में उसने दम कर दिया कि मैं दुआ करता हूँ कि काश मैंने ये दुआ ही ना मांगी होती, काश मैंने दुआ से ये चीज ही ना मांगी होती। तो ये अपनी जो हम सरकार फरमाते थे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हम दुआ में अपने लिए वो मांग रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि इनकी अफादियत हमारे साथ मुंसलिक है या नहीं है। हमारी बहुत सारी दुआएं जो हैं वो हमारे रास्ते की रुकावट बन रही होती है कहीं ना कहीं पे, हमारी ख्वाहिशात जो है हमारे नेक सफर में कहीं ना कहीं पे रास्ते में रोड़े अटका रही होती है। तो ये ख्वाहिशात की जो दुनिया है ना, इसको भी इसकी क्लेंजिंग होनी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत। एक और सवाल हमें किया है मोहम्मद तैयब साहब ने,
अंग्रेजी में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड सेटिस्फेक्शन, यानी के कामयाबी और इत्मीनान में क्या फर्क है। मीर साहब जी, मीर साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। देखिए जी, कामयाबी और इत्मीनान, असल में ये जैसे अर्थ किया कि कामयाबियां जो है ना, ये किसी को नाकाम करके भी हासिल होती हैं, मगर किसी को नाकाम करके अगर कामयाबी हासिल करेंगे तो ये इत्मीनान नहीं हासिल होगा। इत्मीनान कल्ब जो है वो जैसे मियां मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं कि जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पेंदा ते हारन दा मुल हीरा। अब कामयाबी जो है वो उसमें कैसे हुई, जैसे उन्होंने यानी खुद ना हार गए और दूसरे को जिता दिया। इसी तरह वो सरकार वासिफ साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर याद आ गया है कि हरी हरी मैं हर गई मैं हारी हर बार, हरी हरी मैं हर गई मैं हारी हर बार, हार ही मोरी जीत है मो संग खेले यार। तो अब मुझे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उनका भी वो वाकया याद आ गया कि वो अपने दौर के एक बहुत बड़े ताकतवर पहलवान थे, जैसे हमारे यहाँ वो रुस्तमे जमा गामा पहलवान हुए हैं, वो उस जमाने में हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े पहलवान थे। तो वो सालाना जो मुकाबले होते हैं पहलवानी के, तो वो शाही दरबार लगता था, तो बादशाह ने कहा लो जी ये हमारा शाही पहलवान है, इसे कोई चित करके दिखाए। तो वो पहलवान इतने तगड़े थे कि सबको हरा देते थे। तो ये भी हमने किस्सा जो है ना वो वासिफ साहब की महफिल पे वासिफ साहब से ही सुना हुआ है। तो वो कहते हैं कि एक आदमी आ गया चैलेंज करने के लिए हजरत जुनैद बगदादी को कि जी मैं तुझे चित करूंगा। और क्योंकि वो शाही जो इनाम होता था वो बड़े दिनार और सोने की है जी डलियां होती थी, तो एक बड़ा कमजोर सा जो है ना वो पहलवान चैलेंज करने के लिए आ गया कि जी मैं इसके साथ मुकाबला करूंगा। वो सारे जो नाजरीन थे वो कह रहे हैं कि ये छोटा सा जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना कांगड़ी पहलवान, वो इस फजीक का आदमी था, तो उसने कहा जी मैं तुझे शिकस्त दूंगा। तो वो सारे देख के हैरान हुए, मगर वो चैलेंज था। तो जुनैद बगदादी जो है वो कहते हैं कि जी वो सामने आ गया मुकाबले में, तो वो जब वो हमारी पहलवानी की जुबान में और गुजरांवाला में ये ज्यादा ही शौक होता है पहलवानी का, तो वो उसे कहते हैं कि जब हाथ जोड़ी हुई और वो जो अब गर्दन पे हाथ डाला तो वो जोर थोड़ा सा लगाया, तो वो बेचारा कमजोर सा बंदा, उसने क्या जोर लगाना था उस ताकतवर पहलवान के आगे, मगर उस कमजोर आदमी ने ना हजरत जुनैद बगदादी के कान में एक बात कही। जब वो थोड़ा सा गर्दन पे ऐसे करके उसने कहा पास हो, मुझे पता है कि तू ताकतवर है, मैं तेरे मुकाबले में नहीं हूं, मगर बात यह है कि मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास पैसा कोई नहीं है ब्याही का, इसलिए और मैं हूं भी सैयद घराने का, तू लाज रख ले, अब तेरी मर्जी, तू मुझे हरा दे या मुझे जिता दे। तो जुनैद बगदादी जो हैं उन्होंने जब ये बात सुनी कि एक तो ये निस्बत है सैयद की और दूसरा इसने अपनी वो जरूरत बयान की है बेटी की शादी की, तो ये उसने ना जी वो अपने आप को इस तरह कमजोर किया जुनैद बगदादी ने कि वो जो कमजोर पहलवान था वो फाते हो गया और जुनैद बगदादी हार गए। अब जो है वो जुनैद बगदादी हारे तो किसी ने पूछा कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने फिर वो राज की बात कही। उन्होंने कहा जी वो निस्बत थी, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं इसके सामने फाते ना बनूं बल्कि मफ्तू हो जाऊं। तो वो इससे वो कहते हैं कि उनकी इस बात पे इस शिकस्त पे उनको फकीरी अता हो गई और वो बहुत बड़े फुकरा के एक जय्यद हस्ती बन गए जिन्हें हम आज हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं और जुनैदी सिलसिले के वो बानी हुए। तो बज़ाहिर वो हार गए मगर वो जीत गए। तो इसलिए जो जो बज़ाहिर हारना होता है ना ये बात का हमेशा के लिए जीत होती है। तो ये जीतना जो है ना इस तरह भी सीखना चाहिए हार के। सुभान अल्लाह। सुकून कल्ब जो है ना जी, सुकून कल्ब ये और चीज है,
और जरूरी नहीं है कि बज़ाहर कामयाबियों से ही हो, बज़ाहर नाकामियों से भी सुकून कल मिलता है। और वासिफ साहब का वो जो शेर है याद आ गया डॉक्टर साहब, वो फरमाते थे तमाम ख्वाहिशें, अब इस ख्वाहिश को आप कामयाबियां भी कह लें जो छोटी छोटी हम बज़ाहर किसी को शिकस्त दे के हासिल करते हैं, फरमाते हैं तमाम ख्वाहिशें रुखसत हो चुकी, अब तो आ जा खलवत हो चुकी। तो ये ख्वाहिशात का जो जो है निकाल देना, ये बड़ी कामयाबी की नवीद होती है। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया अमीर साहब। और अब चूंकि वक्त हुआ चाहता है तो मैं आखिर में चाहूंगा कि चंद कलमात साहबजादा साहब और आपसे और प्रोफेसर साहब से इस कामयाबी के हवाले से, टू रैप दिस अप, हम वाइंड अप करेंगे इस शो को, तो आखिर में कोई पैगाम कामयाबी के हवाले से। पहले मैं जाऊंगा प्रोफेसर इरफान अशरफ की तरफ। आप म्यूट हैं जी। सर सर मेरा चूंकि ताल्लुक हमारे बहुत सारी नौजवान कम्युनिटी से है, स्टूडेंट से है, और लास्ट प्रोग्राम में भी साइमा बहन ने एक सवाल पूछा था, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भी प्रोग्राम सुनते हैं और कामयाबी के मुतल्लक जानना चाहते हैं, तो जैसा मीर साहब ने फरमाया और साहबजादा काशिफ महमूद साहब ने अपनी गुफ्तगू में इस बात का इयादा किया और ये बात हम लोगों के सामने रखी कि असल कामयाबी जो है वो लोगों के साथ अच्छा सलूक करने की है, असल कामयाबी जो है वो सोशलाइजेशन की है और शाहीन की तरह ऊंची परवाज की है और लोगों को मकड़ी के जाले की तरह फांसने की नहीं है, और सबसे बेहतरीन कामयाबी ये है कि आप मोमिन जो है वो कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक तक अगर आपकी रसाई हो जाए तो ये बेहतरीन कामयाबी है। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की कामयाबियाँ रास्ते में मिलती ही जाएंगी अगर आप अपनी मंजिल का निशान बड़ी मंजिल रख लें, तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ होगी। बहुत शुक्रिया जी। जी मीर साहब जी, वो कामयाबी को अगर आप थोड़ा थोड़ा मुख्तसर करके बयान करें तो वासिफ साहब की फिक्र की रोशनी में तो वो यही है कि आप दूसरों की खिदमत करें, दूसरों की भलाई करें, दूसरों के लिए मनफत बख्श हो जाएं, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, आपके माँ बाप आप पर राजी हों तो ये कामयाबी है, बीवी बच्चे राजी हों तो ये भी कामयाबी है, और वो शख्स नाकाम है यानी वो कामयाब नहीं है, वो शख्स नाकाम है अगर वो इबादत करे माबूद की, इबादत तो माबूद की करे मगर माबूद के महबूब के साथ वो नफरत करे, माबूद के महबूब को वो पसंद ना करे तो वो नाकाम है। तो वासिफ साहब का एक आखिरी जुमला बोल दूंगा, वो फरमाते हैं कि अगर मोहब्बत कायम रहे तो फराक भी वसाल होता है और मोहब्बत ना रहे तो वसाल भी फराक होता है। सुभान अल्लाह जी। हजरत काशिफ महमूद साहब जी, एक वो सरकार वैसा फरमाया करते थे अक्सर कि देखो बहस हार जाओ दोस्त जीत लो। वाह। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो हार के जो जीतने वाली बातें हैं ये ना बड़े लोग करते हैं, और बड़े लोगों की निस्बत जो है वो आपको बड़ा ख्याल अदा करती है, और बड़ा ख्याल जो है वो उसका सफ़र जो है वो अल्लाह की तरफ का सफ़र है, अल्लाह के महबूब की तरफ का सफ़र है, अल्लाह के महबूब के खादमों की तरफ का सफ़र है। तो ये जो दुनियावी जो सफ़र है इसमें अगर वो ख्याल आपको मिल जाए जो ख्याल अजली ख्याल है तो ये कामयाबी ही कामयाबी है। दोस्त जिसने ज़िंदगी में खो दिए, जिसने रिश्तेदार ज़िंदगी में खो दिए, वो नाकामियों से भरा हुआ है चाहे जितनी मर्जी दौलत हासिल कर। तो मैं ये समझता हूँ कि असल जो हमारे जो पैरामीटर्स जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए सेट किए हैं, जो हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह के हबीब ने जो किए हैं, उन पैरामीटर्स के जितना करीब करीब हम रहते जाएंगे वो उतनी हमारी ज़िंदगी भी कामयाब है और हमारी आखिरत भी कामयाब है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो फुकरा हजरात हैं, ये जो बड़े बड़े जिनके नाम लिए जाते हैं, ये ज़िंदगी के अंदर नाकाम है,
ये सक्सेस नहीं है इनके पास। तो सरकार वैसा फरमाया करते थे कि देखो उनको फकीरी मिल गई, इससे बड़ी सक्सेस ही और कोई नहीं है, क्योंकि कई बादशाहों ने बादशाही छोड़ के फकीरी इख्तियार कर ली, लेकिन आज तक किसी फकीर ने फकीरी छोड़ के बादशाह इख्तियार नहीं। तो ये बड़े 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 ख्याल के साथ जो मुंसलिक होने वाले लोग हैं, ये इनका रुख कामयाबी की तरफ है। आप फरमाते थे कि तो ये जो लोग मज़ारों पर और बुजुर्गों के आस्थानों पर, बुजुर्गों की महफिलों में जो नजर आते हैं, ये इसका ये मतलब है कि ये लोग उस GT रोड के ऊपर चल रहे हैं जिसके माइलस्टोन है ये सारे औलिया अल्लाह के मज़ारात और औलिया अल्लाह की जो महफिलें हैं, ये GT रोड जो है ये वो मदीना शरीफ की तरफ। तो अगर हमारा ख्याल और रुजू जो है उधर रहे तो फिर कामयाबी ही कामयाबी है। बल्कि एक जगह आपने फरमाया कि तुम उधर जाओ, मदीना शरीफ की बात कर रहे थे कि अगर तुम उधर जाओ और तुम्हारा ख्याल इधर रहे, उससे बहुत बेहतर है कि तुम इधर रहो और तुम्हारा ख्याल उधर। बहुत आला, बहुत खूबसूरत आपने बयान किया। खवातीन हजरात, चूंकि वक्त की किल्लत हमेशा रहती है, मौजूआत बहुत तवील हैं और हमारे पास जो मेहमानान गिरामी हैं उनके पास बेकरा इल्म है कि जिसे हम समेट नहीं पाते, लेकिन तशनगी तो रहती है, लेकिन ये सिलसिले चलते रहेंगे। और जाहिर है आज के दौर हाजिर में जहाँ हम इंसान बहुत ज़्यादा मादा परस्त हो चुका है, रियलिस्टिक अप्रोच से दूर जो होता जा रहा है, वहाँ पर हमें बहुत ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी की, यानी तसव्वुफ की दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए, क्योंकि जिसके बारे में किसी ने क्या खूब कहा है कि ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया जिंदगी की शब तारीख सहर कर न सका। तो आज हमें उस रोशनी की ज़रूरत है और वो रोशनी हमें ऐसे ही हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह जैसे बुजुर्गान से मिलती है, उनकी तहारीफ से। और हमारी खुशनसीबी यह है कि हमारे पास इस प्रोग्राम के हवाले से ऐसे दो मेहमानान गिरामी हैं जिन्होंने उनके साथ न सिर्फ वक्त गुजारा है बल्कि बहुत कुछ सीखा ही नहीं बल्कि उन पैगाम को समझा भी है। तो इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, लेकिन चलते चलते अभी चूंकि दूसरा मरहला बाकी है, मैमूना गुलशन को मैंने ये प्रोग्राम उनके हवाले करना है ताकि वो तय कर लें कि अगला चैप्टर क्या होगा। जी मैमूना, ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसा कि हमने कामयाबी और जो इससे पहले हमने मोहब्बत के मज़मून पर बात की, तो मैं अपने मेहमानों से ज़रूर पूछना चाहूँगी कि हमने जो मौजूआत पहली नशिस्त में तय किए थे उसमें से इल्म, सब्र और अमल बाकी हैं, तो अगली नशिस्त में हम कौन सा मौजू का इंतखाब करेंगे? जी इल्म पे बात करेंगे। चलिए माशाल्लाह, इल्म पे बात। ठीक ठीक। तो नाजरीन सामेईन, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है और मैं तमाम शुरका और जो हमारे मेहमानान ग्रामी हैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और आज कामयाबी के मौजू पर रोशनी डाली। और हम इंशाल्लाह अगले पीर को शब 9 बजे फिर यहाँ पर जमा होंगे और दिल दरिया समंदर के मजमून इल्म पर बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश है अगली नशिस्त तक आप इस मौजू को अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए और साथ साथ अपने सवालों को भी तरतीब दीजिए। हमारी मुलाकात इंशाल्लाह अगले हफ्ते होगी और हम इंशाल्लाह कल मैं और डॉक्टर फजल साहब आपके साथ फिर हाजिर होंगे शब 9 बजे और हम जो हमारा लर्न टू ग्रो रिच का सिलसिला है उसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उस पर बात करेंगे। तो आप ज़रूर ट्यून इन कीजिएगा और आपके जो भी सवालात हों आप हमारी लर्न टू ग्रो रिच कम्युनिटी जो हमारा फेसबुक ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें भी पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, आप डायरेक्टली मुझे और डॉक्टर साहब को रीच आउट कर सकते हैं। तो हमें आपका ज़रूर इंतज़ार रहेगा आपके सवालात का, आपकी फीडबैक का, आपकी आरा का, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुकद्दम है। तो इंशाल्लाह जी मैं थोड़ा सा मैमुना मैं आपकी जरा सी तस्दीक करता चलूं क्योंकि आपने ऐलान किया है कल के प्रोग्राम का। तो नाजरीन कल का जो हमारा सेशन है मेरा और मैमुना का जो हम करते हैं लर्न टू ग्रो रिच का, वो 1 घंटे ताखीर से शुरू होगा क्योंकि उससे पहले
आप मुझे डॉक्टर स्टीवन बेबी, जो दुनिया के मारूफ तरीन कम्युनिकेशन स्किल्स के प्रोफेसर भी हैं और दुनिया में चंद मारूफ तरीन प्रोफेसर में उनका नाम आता है, मेरी और उनकी गुफ्तगू का एक जो सेशन है 9 से 40 मिनट का, और उसके बाद हम अपना रूटीन सेशन शुरू करेंगे, तो जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई उनसे वक्त दरकार था नहीं, चूँकि वो उनके स्केजुअल के हिसाब से मुझे उन्हें एडजस्ट करना पड़ा है। लेकिन ये एक बहुत ही मुनफरिद और मालूमाती प्रोग्राम होगा, अगर आप उसे देखें तो मुझे उम्मीद है बिलखसूस वो लोग जो कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट से दिलचस्पी रखते हैं, या स्पीकर्स हैं, या ट्रेनर्स हैं, कोचेज हैं, या एक अच्छे थिंकर हैं, उन तमाम के लिए एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम होगा। तो मैं ज़रा तस्दीक करना चाह रहा था ताकि कोई गलत फहमी ना रहे। नहीं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जो है मुझे याद दहानी करवाने के लिए, और मैं कल इंशाल्लाह 9 बजे से डॉक्टर साहब को आप देखेंगे उस इंटरव्यू के बाद, इंशाल्लाह मैं और डॉक्टर साहब आपकी स्क्रीन पर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए आप सबका, हम अल्लाह ताला हामी नासिर, अल्लाह हाफिज़।